सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म वितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों पर श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन चक्र सभी को चरण में जथाजुगे प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री गिरिराज की महिमा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। कोई जय के है बोल रहे हैं जोर से बोलो आवाज तो इनकी आ रही है। बोले श्री यदि जो गिरिराज गोवर्धन है यदि गिरिराज गोवर्धन कौन है यदि ये कोई पहाड़ नहीं गए हो गोवर्धन कौन कौन गए वो कोई पहाड़ नहीं है बल्कि वो कौन है बल्कि ये भगवान स्वयं विष्णु है। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की। जब ठाकुर जी संतुष्ट हुए बोले बोलो क्या चाहते हो बोले प्रभु हम ब्रज में बास चाहते क्या मेरे सखा सखी होने के बोले नहीं नहीं हमने इतने पुण्य नहीं की जो कि ब्रज में तुम्हारी सखा सखी बन सकी। बोले बताओ किस रूप में तो अगर हम ब्रज में पहाड़ रूप में भी हमारी जन्म हो जाए आप हमारे सर के ऊपर अगर लीला करें तो आपका चरण स्पर्श पा करके हमारी जीवन धन्य हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं ये जो बरसना है ये ब्रह्माचल पर्वत है जो नंदीश्वर पर्वत है नंदगांव ये स्वयं नंदीश्वर नंदी का ईश्वर कौन है शंकर जी है। बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है साक्षात भगवान विष्णु। देखो ब्रज के कितने महिमा हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पर्वत रूप में ठाकुर को सेवा के लिए प्रकट हुए हैं सेवा के लिए प्रकट हुए। इनका जो दूसरा स्वरूप है ये स्वयं कृष्ण है। एक स्वरूप में तो पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में पूजा को मैंने स्वीकार किया है इसलिए ये स्वयं कृष्ण है। बोले इनका तीसरा रूप क्या है राधारानी कहती है बोले हंता अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम। राधारानी कहती है भगवान की जितने सेवकों में ये गिरिराज गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ सेवक है इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन मतलब क्या है गो मतलब होता है इंद्रियां गो मतलब गो गो मतलब गोपी गो मतलब पेड़ गो मतलब पृथ्वी है वर्धन मतलब सबको जो बढ़ाने वाले सबको सेवा करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है इसलिए कृष्णा गोवर्धन में सुंदर सुंदर गैया चराते हैं सुंदर सुंदर पानी भी पीते हैं उसकी कंदरा कंदर में ठाकुर जी लीला भी करते हैं और उन्होंने स्वयं गिरिराज को धारण भी किया और उन्होंने ब्रजवासियों को रक्षा की है इसलिए हर तरह से ये गिरिराज गोवर्धन ठाकुर को सेवा करते हैं इसलिए इनका नाम गोवर्धन है। और सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण का इंद्रियों को जो बढ़ाते हैं कृष्ण की सेवा को जो उन्होंने की है इसलिए इनका नाम गोवर्धन है। फिर इनका नाम गिरिराज भी है। गिरिराज मतलब क्या बोले गिरी मतलब होता है पर्वत राज मतलब होता है जितने पर्वत में जो राजा से गिरिराज है क्योंकि भगवान स्वयं ये गिरिराज रूप धारण किया है। और पहले तो ये गिरिराज इतने बड़ा था हम कहते ना एवरेस्ट हिमालय पर्वत लंबी नहीं
पहले ये इतने लंबी थी, इतने लंबे गिरिराज थे, लेकिन ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से ये धीरे 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 नीचे जा रहे। वह बहुत विशाल थे, इसलिए ये गिरिराज आए कहाँ से? ये गर्ग संहिता में बताया, बल एक समय गोलोक वृंदावन से जब बांके बिहारी ये मर्त्य जगत में आना चाह रहे थे, तब उन्होंने राधा रानी से पूछे, राधे तुम मेरे साथ में चलोगे? बोले प्रभु कहाँ चलोगे? बोले मर्त्य जगत में। राधा रानी बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गोवर्धन नहीं, जहाँ पर राधा पुत्र श्याम पुत्र नहीं, जहाँ पर निकुंज निधुवर नहीं, जहाँ पर रंदगा बरसना यमुना नहीं, मैं नहीं जाती। कृष्ण बोले राधे मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा, ये गोलोक वृंदावन जो देख रहे हो ठाकुर का दिव्य धाम, ये पूरा का पूरा मैं उतारूंगा। मेरे सखा सख भी जाएंगे, तेरी सखा सख भी जाएंगे, मेरे पिता माता तेरे पिता माता, और ये गिरिराज गोवर्धन यमुना ये सब के सब चलेंगे, मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा। राधा रानी बोले मैं फिर चलूँगा। इसलिए गिरिराज गोवर्धन ये गोलोक वृंदावन सही इसी जगत में कृष्ण की सेवा के लिए श्री गिरिराज गोवर्धन आए। बोले गिरिराज बाबा की जय। इसलिए कहीं कहीं आता है ये गिरिराज है, बोले प्रकृत है मनसा जात, ये राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए अपना हृदय से ही ये गिरिराज रूप में बनाया है। और कहीं आता है जो कृष्ण की जो नेत्र है, कि जो जगन्नाथ जी का जो नेत्र से ही ये गिरिराज गोवर्धन ये प्रकट हुए हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, ये स्वयं भगवान ही जीव की कल्याण करने के लिए जगत में आए। इसलिए ठाकुर जब ये जगत छोड़ करके गए, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने तीन चीज को छोड़ कर गए। कितने चीजों को बताओ, क्या क्या छोड़ कर गए? एक एक बोलो, बोलो जोर से। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण जब गए तीन चीज छोड़ कर गए, एक तो जमुना पटरानी, जमुना नदी को, दूसरी चीज ये गिरिराज गोवर्धन को, और तीसरी चीज ये ब्रज धाम वृंदावन धाम। हमारे कल्याण के लिए ठाकुर जी ये तीन चीज को ठाकुर जी जगत में छोड़ कर गए हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, गिरिराज की कथा सुन रहे थे, कैसे ये गिरिराज पूजा कृष्ण स्वयं अपना हाथों से गिरिराज की पूजा करवाए, और गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के वरदान दिया। बोले आज का दिन मेरी सेवा में एक पीढ़ी का जो अन्न की दाना मेरी सेवा में लगा दी, मैं उनको वरदान देता हूँ किसी जीवन में भी उनके घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी इसकी भरपूर रहेगी। अभी प्रश्न होता है, भगवान कृष्ण ने गिरिराज की क्यों धारण किया, ये गिरिराज की पूजा क्यों प्रवर्तन करवाया? इसके पीछे हमारे टीकाकारों ने चार कारण बताया। कितना कारण बताया? अरे बोलो जोर से, आप कोई सुन नहीं रहे। आज मैं सुनूंगा आप कथा को, लास्ट में पूछूंगा, जो बोलेगा ना उसको एक एक गीता दूंगा, ठीक है? अच्छे तरह से पहला कारण बताए, कृष्ण ने बोले पिताजी किसकी पूजा करते हो? बोले इंद्र। बोले इंद्र को क्यों पूजा करते हो? बोले हम सब के सब किसान हैं, ग्वाल बाल हैं, ये इंद्र की अधीन में ये वर्जन में है, और इंद्र के आदेश पर ये बारी बरसती हैं, फिर घास उगता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, उससे ही सब कुछ पनीर मिठाई छाछ किससे बनता है? दूध से। इसलिए हम लोग गोपाल हैं, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा पिताजी ये इंद्र कुछ करने वाला नहीं है, उसका अपना डांट में कुछ नहीं है। जब इंद्र को कोई चीज प्रार्थना करना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर ठाकुर जी के आदेश हो तभी ये इंद्र कुछ दे सकता है, अगर ठाकुर जी के आदेश नहीं हो पिताजी इंद्र कुछ देने वाले नहीं। आप कहते हो इंद्र बारिश करता है इसलिए हम पूजा करता है, कृष्ण ने बताओ ये जंगल किसकी पूजा करते हैं, ये समुद्र किसकी पूजा करते हैं, वहाँ बारिश होती कि नहीं? होती है कि नहीं? होती है ना, फिर वहाँ कैसे बारिश होती है?
इसलिए पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन है बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी हरी हरी थी, मतलब मेघ आ करके ये गिरिराज गोवर्धन में टकराता है, आ करके तब बारिश ही होती है यहाँ पर, और हमारा जो प्रत्यक्ष देवता है ये गिरिराज महाराज है। गिरिया कहाँ घास खाते हैं, बोले गिरिराज से, बोले फल फूल कहाँ मिलता, बोले गिरिराज से, पानी की झरना कहाँ मिलती, बोले गिरिराज से है। और हमारे जो देवता ये गिरिराज गोवर्धन है, और जो देवता ये गैया है और ब्राह्मण है, इनके आशीर्वाद से हमें सब कुछ चीज मिलती है। इसलिए पिताजी आप ये बताओ आप कितना दिन से इंद्र की पूजा कर रहे हो, बोले जब से हो सका, बोले अभी तक इंद्र को दर्शन किया, बोले नहीं, बोले पिताजी अगर ये गिरिराज की पूजा करोगे इन्हीं आंखों से देखोगे ठाकुर स्वयं प्रकट होंगे, इनके पास में धन दौलत पुत्र परिवार जो कुछ इनसे मांगोगे गिरिराज सब छपिन करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन होगा, बोले हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, इसलिए कोई चिंता मत करो, श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाओ, ये हमारी प्रत्यक्ष देवता ही कोई पहाड़ नहीं। बोले ठीक है लाला। पूरा ब्रज में उन्होंने ढिंडरा पिटवा दिया, हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, और ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट होकर के हमें दर्शन देंगे। जितने ब्रजवासी थे बढ़ा देते, इसलिए जितने ब्रजवासी थे ना, बोले गिरिराज जी दर्शन देंगे, जो मांगेंगे सो देंगे। बोले हाँ, बोले फिर तो हम श्री गिरिराज की पूजा करेंगे, जो एक किलो का लड्डू बना रहे थे ना बेसन का, बोले गिरिराज जी का 2 किलो लड्डू बनवाएंगे हैं, जो 5 किलो बनाते थे हलवा, बोले हम 10 किलो बनवाएंगे, जो 2 किलो का पूड़ी बना रहे थे, बोले 4 किलो बनवाएंगे। इसलिए इतने चीज लाए और पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया, इसलिए इसका नाम कहते हैं अर्नकूट। कूट मतलब क्या, बोले पर्वत, अर्न का पर्वत है, रसगुल्ला की पर्वत, गुलाबी जामुन का पर्वत, मालपुआ का पर्वत, चावल का पर्वत, 4 तरह का चावल बनवाए, कितना तरह का, लेकिन तुम लोग कुछ कल कुछ भी लेकर के नहीं आए, 2-4 भक्त कुछ लेकर के आए थे हैं, एक मीठी चावल, एक नमकीन चावल, एक फीकी चावल और एक मटर पनीर डाल करके लाए हैं, और 5 तरह का तो दाल बना करके लाए, तुम लोग कल कुछ भी नहीं लाए हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल और हैं उड़द की दाल, मटर दाल, चना दाल, 5 तरह का दाल बना के। और रबड़ी महाराज, रबड़ी तो पहले लाए, ब्रजवासी तो रबड़ी के बगैर खाकर खाते नहीं हैं, इसलिए। और 2 तरह का कढ़ी बनवाई, एक राहड़ कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राहड़ कढ़ी किसको कहते हैं, बोले बगर पकौड़े के जो बनता है, सुहागिनी कढ़ी किसको कहते हैं जिसमें पकौड़ा डालकर बना, और वहाँ दाल बाटी चूरमा भी बना, राजस्थान से कोई एक नहीं है, कौन राजस्थानी है, उन लोग तो कल कुछ बना कर लाए, लाए थे दाल बाटी चूरमा, हाँ, इसलिए चूरमा तो 2 तरह के बनवाए, कहते एक रोना और एक हसना। बोले रोना मतलब क्या, जिसके घी टपकता है, हंसना मतलब क्या, जिसको पतले में रख के खेल जाए। तो इतने बना करके लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया गिरिराज जी। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी हैं, इसलिए पूजा करना तो किसकी पूजा करो, बोले श्री गिरिराज की पूजा करो, और इंद्र की पूजा को बंद करवा दो, इंद्र पूजा को बंद करवा दो, इंद्र पूजा को है। इसलिए पहला शिक्षा दिया है, देखो ये चीज को समझो, हमें भगवान की भक्ति एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति से भगवान खुश नहीं होते, आज इसी देवी के पास में, कल उसी देवता के पास में, काम नहीं बना तो उसी चलो, नया कोई बाबा निकला है वहाँ पर चलो, वो काम नहीं बना तो अमुक देवी के पास में चलो, नहीं भैया। आप बताओ इंद्र कौन है, ये चीज को दिमाग में बैठा, इंद्र कौन है, बोले इंद्र कौन है, स्वर्ग के राजा है, सारे देवता का राजा है, लेकिन कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद करवा दिया, बोले इंद्र पूजा की कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो श्री बांके बिहारी श्री जगन्नाथ जी की पूजा करो, श्री जगन्नाथ जी की पूजा करो, ये जगत का नाथ जगन्नाथ है, जब इनकी पूजा करोगे, इनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड इनके अंदर में, और उन लोगों ने क्या किया, इंद्र पूजा बंद करवाया,
पूजा की गिरिराज की, कृष्ण की पूजा की, लेकिन इंद्र बिगड़ गया। इतना दिन से मेरी पूजा कर रहे थे, आज छोड़ दिया कृष्ण की बात सुनकर बच्चा की, पूरा ब्रज को तसनच कर दूंगा। आप सुने होंगे इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधारा से बारिश किया है, हाथी के सूर के जैसे ओले गिराए, ऐसे उन्होंने बरसात ब्रज को तसनस करने के लिए कोशिश किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने किया क्या, बोलो, गिरिराज को उठा लिया। बोलो गिरिराज महाराज की। और गिरिराज को उठा करके बोले कोई चिंता मत करो, गिरिराज जी की छत्र छाया में आ जाओ। इंद्र सारी चेष्टा की, 7 दिन के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में कृष्ण को चरण में इंद्र को आकर के नाक रगड़ना पड़ा। मतलब क्या, मतलब है अगर हम भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, अगर कोई विपत्ति आएगा ना, इसलिए कहते ना जाके रखे सांगिया, मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। जिसको बांके बिहारी रखा करता है उसको जगत में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये चीज को समझे। इसलिए ठाकुर जी इंद्र पूजा को बंद करवाया। दूसरी शिक्षा क्या दी है, बोले इंद्र की अभिमान हो गया था। क्या अभिमान हो गया था, बोले अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा ना प्रज्वल सब मर जाएंगे, पानी नहीं दूंगा तो घास घास आएगी, गैया नहीं खाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। कृष्ण ने बोले तुम बारिश देने पर ब्रजवासियों को बारिश मिलता नहीं है। कहते इंद्र कौन बनता है, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करेगा वही स्वर्ग का इंद्र बनेगा, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ से इंद्र बनता है। कहते ब्रज का जो धूल है इसमें इतने शक्ति है, ब्रह्मा जी कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत तुसुरभि पाल यंतम। ब्रज की एक धूल में इतने शक्ति है कितना इंद्र चंद्र वायु वरुण को प्रकट कर दे। ब्रज की एक धूल में इतने शक्ति, उस दिन पहले यहाँ देखा है ना, क्या देखा, हीरा पंचमी देख रहे थे, हीरा पंचमी लक्ष्मी कैसे जगन्नाथ जी को ढूंढने के लिए आए, वो गया तो गया 2 दिन के लिए, 5 दिन ही हो गया अभी तक नहीं आया है। जब वहां पर लक्ष्मी आई और जितने ब्रजवासियों को ला ला करके इनके चरण में डाल रही थी, जब डाल रही थी वहां पर श्री नारद जी थे और श्री ललिता सखी भी थी। नारद जी कहते ललिता देख रहे हो मेरे वृंदावन में, क्या देखो लक्ष्मी की ठार बाड़ देख रहे हो, कितने हीरे जवाहरात है, क्या ठार बाड़ है वृंदावन में, क्या पेड़ पौधा लता पता फूल और कुछ है नहीं। इतने में ललिता क्या कहती, बोले चुप रह, ब्रज की जो एक लता है उसका जो एक लता है एक पत्ते में इतने शक्ति है, तुम्हारी जैसे कितने इंद्र चंद्र को प्रकट कर सकता है, वैकुंठ को प्रकट कर सकती है वृंदावन की एक धूल में इतने शक्ति। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। इसलिए मानव भगवान ने गिरिराज को उठाया है और सर्वश्रेष्ठ कारण बताया, ध्यान देकर सुना, सर्वश्रेष्ठ कारण बताया। भगवान अभी रासलीला करना चाहते हैं लेकिन अकेले तो रास कर ही नहीं सकते ब्रज गोपी के बगैर, बोले भैया किसी तरह से इनको अपना तरफ में खींचना पड़ेगा। उदाहरण दिया है, एक हीरो क्या करता है, अगर किसी हीरोइन को आकर्षण करना, वो हीरो वो हीरोइन को सामने कुछ गुंडों को इकट्ठा करता है और उनको साथ में खूब मारपीट करेगा, मारपीट करते करते सबको परास्त कर देगा। जब परास्त कर देगा जो हीरोइन ना, बोले बाबा बड़ा बलवान है, बड़ा ताकत है, वो अपने आप उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है। इसलिए ब्रज का हीरो कौन है, अरे बोले हीरो कौन है, बांके बिहारी हीरो है। और ये हीरोइन कौन है, राधा रानी, ब्रज की गोपियां हीरोइन। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसके लिए उन्होंने 2 लीला की, एक तो उन्होंने कालियों के सर पर नाचे और दूसरा जो लीला की है ना भगवान ने, ये गिरिराज को उठाया। कितने उम्र में गिरिराज को उठाया, 7 साल में। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन। कितना बड़ी थी, 7 क्रोश। 7 क्रोश तक गिरिराज को उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर उठा दिया। शिक्षा क्या देते हैं,
कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते, सीधा हाथ नहीं उल्टा हाथ। बोले उल्टा हाथ नहीं, मैं तो सबसे जो कनिष्ठ अंगुल में उठा कर सकता, बोले कनिष्ठ अंगुल नहीं, बोले ये नख के ऊपर में गिरिराज को धारण कर सकता हूँ। नख के ऊपर में ठाकुर जी गिरिराज उठाया है। जब भगवान कृष्ण ये जो गिरिराज उन्होंने उठाए, उसको देख करके जितने ब्रज गोपियां थी सब के सब कृष्ण कृष्ण के चरण में, ये सब के सब कृष्ण चरण में आकृष्ट हो गए, फिर ठाकुर की रासलीला हो गई। ठीक है, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय हो। इसलिए जब भगवान कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को जब उन्होंने पूजा बंद करा के इंद्र की गिरिराज जी पूजा कराए, इंद्र ने देखा ये हर साल ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन इस बार तो कोई पूजा पूजा का कोई नाम गंध नहीं। तब उन्होंने एक दूत को भेजे, बोले देख कर क्या हो, तो क्या कर रहे हैं। वो दूत ने देखा कृष्ण की बात सुन करके जितने ब्रजवासी जो इंद्र के लिए रसमलाई लेडी की चमचम है, बड़े सुंदर सुंदर शाही मटर पनीर बनाए थे, वो सबके सब लेकर के गिरिराज की पूजा करते हैं। इंद्र एक साल से इंतजार कर रहा था, एक दिन ही बढ़िया भोजन मिलता है, लेकिन अगर तुम्हारी भोजन का और कोई खाल घुसा हुआ कि नहीं। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये साधारण एक बालक की बात सुन करके मेरी पूजा कर दी, बोले ये ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा। संवर्तक भेद अनचास पवन सबको बुलाया, बोले ऐसे ब्रज में प्रलय ले आओ, ये ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। ऐसे वहां पर बारिश ओले गिरने लग गए, हाथी के सूंड के जैसे बारिश। सारे ब्रजवासी कृष्ण को शरण में आए, बोले प्रभु तुम्हारी बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद करवाई, देखो इंद्र क्या नटखट कर रहे। बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, ये गिरिराज हमें अपना चरण में शरण देंगे, चलो सारे सामान को लेकर गिरिराज जाते हैं। कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने कनिष्ठ अंगुल के ऊपर उठा लिया, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय हो। बोले कोई चिंता मत करो, सबके सब गिरिराज के नीचे आ जाओ। सबके सब गिरिराज के नीचे आ गए है। ब्रज का सारे 84 जो ब्रज मंडल था, अभी प्रश्न है या गिरिराज क्या इतना बड़ा था कि जो 84 करोड़ कृष्ण जब रास करे ना, बोले 100 करोड़ गोपियों के साथ में प्रभु रास रचाए। कितना करोड़? अरे जोर से बोलो, 100 करोड़ गोपियों के साथ में भगवान ने रास रचाया है। फिर तो कृष्ण को जो गया था 9 लाख, ऋषभानंद महाराज का 11 लाख, आप बोलो आखिर ब्रजवासी जितने, कहते ये सबके सब कैसे आ गए गिरिराज को नीचे, कैसे आ गए इतने सारे लोग। कहते जो ब्रज भूमि है वो चिंता में, इसके लिए कोई असंभव नहीं है। स्वर्ग में एक सभा है जिसको नाम सुधर्मा सभा कहते हैं। कहते उसकी विचित्रता है, अगर 100 लोग आ जाए बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी, 1000 लोग आ जाए तभी बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी भरेगी नहीं, करोड़ लोग आ जाए तभी बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी कभी नहीं भरेगी, एक कुर्सी खाली रहेगी। कहाँ पर? स्वर्ग में, सुधर्मा सभा में। और अगर भैया स्वर्ग की इतने चमत्कार हो सकता है, कहाँ ठाकुर का दिव्य धाम है, बोलो तो वृंदावन है, कहीं वहाँ पर क्या असंभव कोई नहीं। इसलिए सारे ब्रजवासी गिरिराज के नीचे आ गए। जब नीचे आ गए, मैया यशोदा लाला को बारम्बार मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश कर रही थी, लाला के हाथ में दर्द नहीं हो गया है। इतने में सखाओं ने कहा, कन्हैया तो कब तक ये गिरिराज उठाओगे है? अगर आपको बोले 5 मिनट हाथ उठाओ ना, हाथ दर्द हो जाएगा। 10 मिनट 1 घंटा उठा सकते हो? नहीं। गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? कितना बड़ा गिरिराज, इसको परिक्रमा करने में 5-6-7 घंटा लग जाता, 8 घंटा। और इतना बड़ा पर्वत को कोई हाथ में उठाए, कोई साधारण बात है? इसलिए सखा होने का कन्हैया तो कब तक ये गिरिराज उठाओगे, थोड़ी तो विश्राम ले ले। इतने में सखाओं कृष्ण ने कहा, सखाओं तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों? तो क्या अकेला मैया का दूध पिया? हमने दूध नहीं पिए। अरे हम भी मैया का दूध पी रखे, इसलिए हाथ नीचे कर दो। इतने में सबके सब डंडे लगा कर रखे थे, जब कृष्णा हाथ नीचा किया ना,
पहाड़ धीरे धीरे नीचे आने लग गया। जो डंडा था ना तो टूटना शुरू हुआ है, जब टूटना शुरू हुई इतने में सखाओं बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही गिरिराज उठा ले। तो ही गिरिराज उठा ले, इतने में राधा रानी आ गई। जब राधा रानी आई इतने में राधा रानी ने गिरिराज गोवर्धन को इसे टेढ़ी नजर से देख ली, बोले गिरिराज अगर तू नीचे आओगे ना तेरे को मैं जला करके राख बना दूंगी। इसलिए कहते हैं कछु माथन को बल बढ़ो कछु गोपने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाई। बोल राधा रानी की जय। इतने में जब साधारण राधा रानी सामने आ गई, कृष्ण तो राधा रानी को देखते ही इतने सुंदर राधा रानी इतने प्यारी, जब उन्होंने राधा रानी सामने आ गई ना राधा रानी को देख करके कृष्ण तो भगवान लगते हैं। राधा रानी की प्रेम ऐसे, अब देखना राधा कृष्ण जब खड़े रहते ना, अब देखना कृष्ण तो वहाँ पास में राधा रानी, कृष्ण तो वैसे ही सीधा रहते हैं लेकिन जब राधा जी को पास में आते तीन जगह से चढ़े हो जाते, क्योंकि राधा जी की प्रेम ऐसे है राधा जी को पास में कृष्ण सीधा खड़े नहीं रह सकते, इसलिए वो तीन जगह से कृष्ण टेढ़े बन जाते हैं। जब राधा रानी को दर्शन किया इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले बंसी करानि पतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीतवसनम ब्रजराज सुम। जब राधा रानी एक तिरछी चित्तवर से कृष्ण को दर्शन करती हैं, इतने में राधा कृष्ण की मोर मुकुट गिर जाती हैं, कन्या की बंसुरी गिर जाती हैं, कृष्ण कभी कभी स्वयं गिर जाते हैं है? इसलिए राधा जी की जो प्रेम की इतने महिमा, इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना देखना कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते, किसकी नाम लेते हैं लगता है सब सोए हुए होंगे। अरे जोर से बोलो सबके सब श्री राधा जी का नाम को ग्रहण करते हैं, इसलिए वृंदावन में राधा रानी, राधा रानी कृष्ण को कोई राजा नहीं कहते, राधा रानी वृंदावने स्वरी। जब राधा रानी सामने आ गई कृष्ण डगमगाने लग गए, इतने में सखाओं बोले कन्या तो किधर देख रहे हो, तेरे को पता नहीं संपूर्ण ब्रजवासी गिरिराज के नीचे खड़े हुए, अगर गिरिराज गिरेगा तो सबके सब खत्म हो जाएंगे, तो इधर उधर मत देखा कर, उधर कहाँ देख रहे, उधर मत देखो किधर देखो। इतने में गोपियों ने क्या किया, राधा रानी की शरीर को कपड़े से ढक दिया, जैसे कृष्ण की नजर राधा के ऊपर में पड़े नहीं, ऐसे ही कृष्ण ने श्री गिरिराज को 7 दिन तक उन्होंने धारण की। 7 दिन को बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले भैया देख कर क्या हो, क्या हो रहा है, ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। वो दूत आया ऊपर ऊपर देख कर चला गया, बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी भी नहीं, सबके सब खत्म हो गए, एक चिट्ठी भी नहीं। उन्होंने दूसरे दूत को भेजा, भैया तुम देख कर क्या हो। जब वो देखने के लिए आया वो तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था, इसने नीचे आया, जब नीचे आया ना देखा वहां तो होली बज रहा था, धूल उड़ रही थी, वो बड़े आनंद पूर्वक वहां पर बोले आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे, होरी रे रसिया बरज होरी रे रसिया, होरी रे रसिया होरी रे रसिया, ओ हो होरी रे रसिया, धर्म से जीत
I'm not
जय हो।
वो देखा ब्रज में होरी मच रहा है, वो सबके सब आनंदित है। ब्रज का एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। जब वापस गया इंद्र ने पूछा ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था वो बालक नहीं, वो तो श्री गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल को पर धारण करके रखा है। बोले गिरिराज बाबा की जय हो। देखो एक चीज को समझो, अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ। कभी कभी हम जिसको तिसको पीछे है ना, भगवान मान करके पीछे भागने लग जाते हैं। अगर थोड़ी सी कोई चमत्कार देख लिया ना, बोले भैया अमुक भगवान, अमुक भगवान। भैया कोई भगवान नहीं है, भगवान तो हमारे कृष्ण बांके बिहारी भगवान, भगवान तो हमारे राम भगवान है। अगर जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण तो इतना बड़ा गिरिराज को धारण किया, अब जिसको भगवान कहते एक 10 क्विंटल पत्थर ला के सर पर रख लो, देखना सारे भगवान सब निकले जाएगा पीछे। भगवान कृष्ण कालियों को सांप पर नृत्य किया है, इतने जहरीला था, ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ करके नहीं जा सकते हैं, ऐसे जहरीला पानी में। जिसको भगवान कहते हैं, भैया मुंह में था जहर देकर देखो। भगवान कृष्ण 3-3 बार ब्रज में आग लगी, भगवान ने अग्नि पान किया है। जो भगवान जिसको कहते मुंह में था आग लगा करके देखो, समझ रहे कि नहीं। भैया जिसको तिसको पीछे भगवान बल मत भागा करो, भागो तो बांके बिहारी को पीछे भागो, भागो तो भगवान श्री राम को पीछे भागो। क्या इनको पूजा करके हम संतुष्ट नहीं, फिर तुम्हें कोई नया भगवान की जरूरत है तुमको, ठीक है ना। इसलिए केवल श्री जगन्नाथ जी है हमारी, श्री भगवान राम कृष्ण है और भगवान नारायण है हमारी भगवान है, ठीक है ना। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए जब उन्होंने इंद्र को पास में गए, इंद्र को बल्कि सत्यानाश, बोले तेरा ही सत्यानाश हो गया, जिसको तो बालक समझ रहा था उसने गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल पर धारण किया है। इंद्र देखा ये कौन है, ध्यान लगा करके देखा ये तो मेरे प्रभु है। बलि का इंद्रपद को छीन लिया था, कृपा करके 2 बार प्रभु नहीं मेरे को इंद्रपद दिया, भगवान वामन ने बताया ये तो मेरे प्रभु, सोचा मेरी इंद्रपद ही गया। अभी अमरावती में जब विश्राम करने गया पत्नी को साथ में, तो नींद नहीं आया, क्योंकि घबराहट हो रहा था, उसको नींद नहीं आई। फिर अपना गुरुजी बृहस्पति को पास में गए, बृहस्पति बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले किसको पास में, बोले ब्रह्मा जी को पास में गए। जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सत्यानाश कर दिया, ये कृष्ण बांके बिहारी ये ऐसे का बता रहे, किसी की घमंड को उन्होंने रखा ही नहीं, मेरा घमंड भी उन्होंने चकना शुरू कर दी। बोले कैसे, बोले कृष्ण जब उन्होंने अघास को बंद किया, सारे देवता लोग जयकार दिया है, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। इंद्र ने देखा भैया इतनी जयकार क्यों हो रहा है, ब्रह्मा जी उत्तर करके आए, कृष्ण उसी समय में 5 साल के बच्चे थे और उन्होंने विशाल जिस देवता लोग को जिस दैत्य को डरते थे अघासुर को, कृष्ण वो अघासुर को मारे। फिर क्या देखा, उसका ब्रह्म तालु फट गई, एक ज्योति निकला, वो ज्योति आ करके कृष्ण का शरीर में समा गया। बोले भैया ये बालक है कौन, ये ब्रह्म ज्योति भी नहीं, चुपचाप बैठे यहाँ पर, ब्रह्म ज्योति भी जिनकी शरीर में लीन हो गया, ये कौन है ब्रह्म ज्योति। फिर कृष्ण जब सखाओं को साथ में बैठ करके वन भोजन कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी इनकी बछड़े और सखा को चोरी किया, जो लेकर गुफा में रख करके जब ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक में गए, वो ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए। और उसका जो दरवान थे ना, बोले देखो मैंने देखा कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए अंदर में घुसने में त्याग करना। कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा जी के आसन पर बैठी गई। जब असली ब्रह्मा वहां पर पहुंचे, उसका जो दरबार थे दंड लेकर उसको मारने वाले। बोले प्रभु तो सही कह रहे थे, हमारी प्रभु तो अंदर में, ये कहां से आ गया। ब्रह्मा जी देखा मेरे नौकर मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, फिर ये घे कौन कौन बैठ गया, ध्यान लगा करके देखा कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर बैठ गए।
ब्रह्मा गए और आए, जाते आते ही इसी जगत में एक साल बीत गया। जब आए देखा कृष्णा एक साल पहले, बात मत करो माता जी, बात मत करो, मैं तो पीछे चल जाऊं, बात करना तो खुशी जाओ। इसलिए जब ब्रह्मा जी देखे ये कौन है, कृष्णा एक साल पहले जैसे ग्वाल बालों को लेकर के लीला कर रहे थे, अभी भी वैसे लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है मैंने जिनको छुपाया था शायद उसको वापस ले आया। फिर वहां पर गए, बोले वैसे ही सोए पड़े हुए। एक साथ में ब्रह्मा जी दोनों तरफ में देखे, तब भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य विभूति दिखाया, बोले देखो ये सखा लोग बछड़े कौन है। देखा जितने बछड़े सखा थे सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण थे, सबके सब नारायण थे। ब्रह्मा फिर आश्चर्य पड़े क्योंकि एक नारायण का नाभि कमल से मेरी सृष्टि है, यहाँ तो अनंत नारायण है। पर समझ गए जो बांके बिहारी मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की भी पिताजी श्री बांके बिहारी। फिर तो ब्रह्मा जी सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए और उनका आंखों का आंसू से उन्होंने भगवान के चरणों को उन्होंने स्नान कराया। अरे खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले ये बांके बिहारी कौन है, बोले अनादि की जो आदि, उसकी जो आदि है, ये सबका जो मूल है, ये भगवान श्री बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी की जय हो। अरे ब्रह्मा जी भगवान को 40 श्लोकों से भगवान को स्तुति करते हैं। इसमें बड़ी शिक्षा की विषय है, आप लोग भी सुनो क्या बोलते हैं। बोले ज्ञाने प्रयास मधुपाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तन्वांग मनोभि जे प्रायस अजीत जितो अपि त्रैलोक्यान। कहते भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर नारद और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनकी चरण कमल को ध्यान में धर नहीं पाते हैं। कहते यद्यपि समाधि सुविधिर भी पश्यति नता व नखाग्र मरीचि। बोले भगवान बांके बिहारी जी की चरण की जो छटा को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी ध्यान नहीं कर पाते, ऐसे श्री बांके बिहारी है। लेकिन अगर वो बांके बिहार को पाना तो क्या करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हमारी अंदर में जितने अभिमान हैं सारे अभिमान को पहले त्याग दो। हम ये जानते हैं, ये करते हैं, इतने लिखे पढ़े हम, इतने बड़े घर के हैं। कहते पहले सारे अभिमान को दूर करो। कभी कभी हम कहते हैं ना कोई कृष्णा जो भैया के पीछे पीछे दौड़ते थे, घर घर में मक्खन में चोरी करते थे, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं जगत का सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मेरा तो 4 सर है, तुम्हारे तो 1 सर होगा, मेरा तो 4 सर है, लेकिन मैंने ये 4 सर को देख करके भी मैंने वो बांके बिहारी को समझ नहीं पाया है। इसलिए सारे ज्ञान के अभिमान को त्याग दो। त्याग करके क्या करना, बोले संतों के चरण में बैठ करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण तथारूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है उसमें गोता लगा दो, उसमें स्नान करते रहो। और क्या करो, जैसे किसी को बोलो भजन करने के लिए, बोले अभी तक थोड़ी मर रहे हैं, अभी भजन करेंगे, अभी तक घर का स्थिति सही नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उनकी शादी शुदा कर लेंगे, जब सारे काम निपट जाएगा ना भजन करेंगे। अभी तक इसका काम निपटा है, स्वयं निपट जाओगे काम कभी निपटेगा नहीं हैं। कहते जब काम निपट जाएगा तब करेंगे, लेकिन कहते हैं ना करते हो तुम कन्हैया बड़ा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा। भगवान कहते हैं मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ाओ मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे सारे काम ठाकुर का आशीर्वाद से होगा, अपना इच्छा से कुछ नहीं होता है। अब बताओ हम क्या क्या इच्छा नहीं करते, कितने कितने इच्छा करते, क्या पूरी हो जाती है, नहीं होती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिता, ठाकुर जी जिस अवस्था में तुमको रखेंगे
उसी अवस्था में सुखी रहो, उसी अवस्था में सुखी रहो। अब ये समझो अभी जीवन में जो स्थिति है ये जीवन का सबसे बढ़िया स्थिति यही है, ये इस चीज को समझो। और बढ़िया स्थिति, अगर और बढ़िया स्थिति चाहते हैं, ब्रह्मा जी कहते भगवान की भजन करो, भगवान की भजन के बगैर कोई बढ़िया स्थिति नहीं आ सकती है। जब उनका आशीर्वाद होगा तब बढ़िया स्थिति जीवन में आएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए जिस अवस्था में रखे ठाकुर जी उसी अवस्था में रह करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुना। बोले एक समय को एक राजा और मंत्री थे, दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते राजा का ये कनिष्ठ अंगुल कट गई। राजा ने कहा महामंत्री मेरे अंगुल कट गए तलवार ने। लेकिन ये मंत्री बड़े भक्त थे, बोले देखो ठाकुर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, ठाकुर जी जो कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हारी। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरी जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया, अब तुम कहते हो भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन मंत्री तो भक्त था, बोले महाराज भगवान कभी हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, वो जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। बोले सब कुछ कल्याण के लिए? बोले हाँ, बोले अभी तेरे कल्याण करता हूँ। उसने क्या किया कि सूखा कुआ था उसको धक्का मार कर गिरा दिया। बोले कि अंधकार कुएं में पड़े रहो, अगर ठाकुर जी हर स्थिति में ठाकुर जी कल्याण तू इससे पड़ रहा, देखता हूँ तेरा कल्याण क्या कैसे करते हैं। राजा अकेला वापस आ रहा था, वो जंगल में कोई एक डाकू का सरदार था, वो माता देवी को पास में मनोती रखा था, मेरे घर में एक बेटा की जन्म हो जाएगी माता जी, तेरे सामने एक नर बलि दे। अभी घर में एक बेटा हो गया, वो तो खुश हो गया माता जी कृपा से बेटा हो गया। जो जितने डाकू लोग थे ना, बोले जंगल में जो मिले उसको पकड़ करके ले आओ, क्योंकि माता जी को पास में मैंने मनोती रखा था। और घूमते घूमते देखा राजा बड़ी लंबे चौड़े देखने में बड़ी सुंदर, बोले वाह माता जी तो बड़ी खुश हो जाएगी बलि लेकर के। राजा को पकड़ करके ले आए, जब पकड़ करके लाए राजा तो कांप रहा था, हे भगवान किसकी चक्कर में पड़ गए, अगर मंत्री रहता तो युद्ध कर लेता, हम अकेला क्या करें। उसको पकड़ करके लाए और देवी को सामने लकड़ी में गले को फंसा दिया। जब उसको काटने जा रहे थे इतने में देखा उसको अंगुल कटा हुआ खून टपक रहा था। नियम है माता को सामने वही चीज बलि चढ़ सकती है जो शरीर से पूर्ण हो, जिसका अंग भंग है पूरा नहीं वो माता जी को साथ में बलि चढ़ ही नहीं सकती। जब देखा इसका अंगुल कटा हुआ खून टपक रहा है, वो उठाया था तलवार, राजा तो छटपट कर रहा था, इतने में उन्होंने तलवार को नीचे कर दिया। बोले ये माँ देवी की लायक नहीं है, क्यों इसका अंगुल कटा हुआ इसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया राजा समझ गए ये मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था, हैं अगर आज मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ था तो माँ को सामने सीधा में बलि जल जाता। उसने वापस आया, जो मंत्री कुएं में गिरा हुआ था उसको निकाला, बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले इसलिए मैं कह रहा था ना ठाकुर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, वो तो मंगल भवन अमंगल हरी। इतने में राजा ने कहा देख मंत्री मैं तो समझ गया मेरा कल्याण, लेकिन तेरा क्या कल्याण हुआ, तेरे को तब से अभी तक कुएं में मेरे को फेंक करके रखा, अंधकार कुएं में तू पड़ा रहा। मंत्री कहता है महाराज आपका थोड़ी कल्याण, कल्याण तो मेरा ही हुआ। बोले कैसे? बोले अगर तुम मेरे को ये कुएं में धक्का मार करके नहीं गिराता, हम दोनों जाते, जब दोनों जाते तेरा तो अंगुल कटा हुआ तेरे को छोड़ देते, और मेरे को सीधा से सीधा माँ को जाने बलि चढ़ा देते। फिर समझ गए सचमुच से भगवान किसका कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं ठाकुर जी तुम्हें जिस अवस्था में रखे हैं उसी अवस्था में सुखी रह करके भगवान की भक्ति करते रहो, अगर कभी बढ़िया स्थिति आएगी ना ठाकुर का आशीर्वाद से ही आएगी। हाँ, और ये भी चीज़ ब्रह्मा कहते हैं, ये चीज़ को समझ, अगर ये चीज़ को समझ गए ना फिर आप इसको ईर्षा द्वेष नहीं करोगे। वो क्या कहते हैं? बोले तत्व कंपम सुसमिक्षमानम भुजाम एवात्मकृतम विपाकम। कहते भगवान का एक नाम अजीत है, अजीत मतलब जिनको जितना पाना बड़ी कठिन है,
लेकिन उनको कौन पा सकते हैं? बोले तत्व में प्रतिष्ठित होकर के जीवन में जो कुछ आए ना, इसको क्या समझो, कभी दूसरों के ऊपर में दोष मत लगाओ। उसकी वजह से ऐसे हुआ, कहते तो भैया किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। हमने जैसे कर्म करते हैं कर्म के अनुरूप फल मिलता है। आप बताओ, अगर चीकू का अगर बीज गाड़ेंगे तो कौन सा वृक्ष वहाँ आएगा? अरे बोलो जोर से, चीकू आएगा। अगर हमने वहाँ पर केले का बीज गाड़ेंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? केले आएगा। अगर अंगूर का बीज बोलेंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? अंगूर का बीज पेड़ आएगा। अगर नीम का बीज बोलेंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? और नीम ही आएगा। इसलिए हम कभी कभी कहते ठाकुर जी हम आप कितने भक्ति करते हैं, हमारे ये तो कष्ट दिया। भैया नहीं, जो जीवन में आता है ना, कहते आत्मा कृतम विपाकम, अपना किया हुआ कर्म का फल आता है। रसोई बनाते हो घर में? कौन कौन रसोई बनाते हो? सब बनाते हो, देख लेना। जैसे घर में आप लोग सजा करके रखे हैं डिब्बा में, किसमें मसाला रखे होंगे, किसमें चावल, किसमें चीनी, किसमें दाल रखेंगे ना घर में। आप देखना अपने जो चीज को जहाँ पर रखे हो, जब जहाँ पर दाल रखे हो वहाँ हाथ लगाओगे तो क्या आएगा? चीनी आएगा ना, दाल आएगी, दाल आएगी। और जहाँ पर मसाला रखे हो जो हाथ लगाओगे क्या आएगा? मसाला आएगा ना। क्यों? तुमने वहाँ पर वो चीज को रखा हो, जब हाथ मारोगे वही चीज आएगी ना, क्यों? तुमने रखा था तुमने। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमने जो जो कर्म किया है वो कर्म का फल ही हम भोग कर रहे, ब्रह्मा जी कह रहे। इसलिए कभी भी दूसरों के ऊपर दोष मत लगाओ, उसकी वजह से ऐसे हुआ, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। हमने जैसे कर्म किया है कर्म का फल हम भोग कर रहे, ये चीज को समझ लो। फिर क्या करनी चाहिए? अगर जीवन में दुख कष्ट आता है फिर क्या करनी चाहिए? तो ब्रह्मा जी इसका सूत्र कहते हैं कि देखो भगवान के भजन को मत छोड़ा करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर भगवान की भक्ति करते हैं थोड़ी मोड़ी इधर उधर कुछ हो जाए ना, देखना अपना भोजन नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, भगवान की भक्ति छोड़ेंगे। अरे ठाकुर जी तेरे लिए हमने इतना किया तो हमारे साथ में ऐसे किया करते कि नहीं? अपना खाना छोड़ते हैं, सोना छोड़ते हो? नहीं, लेकिन प्रभु की भजन छोड़ने के लिए तैयारी बैठे। ये कब छूटे प्रभु की भक्ति? लेकिन ये चीज नहीं देखते हमने कैसे कर्म, हमने कैसे कर्म किया ये चीज को हम नहीं देखते। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु की भजन मत छोड़ो, ये भजन में इतनी शक्ति है। पहले हम अजामिल का कथा सुने हैं ना, इतना बड़ा पापी था, उसने बेटा का नाम केवल नारायण नाम से पुकारा दिया, सब कथा। वाल्मीकि पहले दशरथनाकर था, उसको मुंह से ठाकुर का नाम ही नहीं निकल रहा था। बोले तो मरा मरा तो बोल सकते हो? बोला ये तो बोल सकता हूँ। लेकिन वो मरा मरा करते करते कहाँ वाल्मीकि बन गए, दस्यु से वाल्मीकि बन गए। हाँ, यहाँ शिक्षा देते हैं जब हम ठाकुर का नाम जप करेंगे ना, अगर कोई चाहते हैं जल्दी जल्दी जीवन में जो पाप है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे सरल उपाय है ज्यादा से ज्यादा ठाकुर का नाम जप करो। इसी से ही तुम्हारी सारे कल्याण पाप ये प्रभु का नाम से ही तुम्हारी सारे भूल सकती है। लेकिन प्रभु का भजन मत छोड़ो। इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान को बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे थे, उसी समय में भगवान ब्रह्मा जी की तरफ से ध्यान दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ठाकुर को मैंने इतनी स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर मेरी तरफ देख नहीं रहे। बोले अभी तक तो मैंने ठाकुर को स्तुति की, अभी थोड़ी सी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोगसम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले ये ब्रजवासियों ने इसे क्या पुण्य किया जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, जिनके घर में बेटे बन गए, कृष्ण उनके बेटे बन गए, माँ की सखाओं का सखा बन गए, गोपियों के प्राण प्यारे बन गए। कितना भाग्य ब्रजवासियों का जब इतना बोले ना, इतने में कृष्ण मुस्कुरा गए। कृष्ण समझ गए भगवान की कमजोर कहां पर। शिक्षा देते हैं कहते भगवान की सेवा पूजा से भगवान कितने खुश होते हैं, उससे ज्यादा खुश होते हैं जब उनकी भक्तों की हमने सेवा करी है, उनकी भक्तों की पूजा करे, भक्त की सेवा करे, ठाकुर सबसे ज्यादा उसमें प्रसन्न होते हैं। बोले भगवान की। ब्रह्मा जी
उन्होंने तीन बार परिक्रमा लगाए और बोले, प्रभु अगर कोई बोलता है मैं भगवान को जानता हूँ उसको जानने दो, मैं पिता मह ब्रह्मा बोलता हूँ, बारिश का बूंद कोई गिन सकते हैं, पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते, लेकिन ठाकुर की महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। फिर परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी वहीं से चले गए। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते, इंद्र एक काम करो, बोले बताओ, भगवान का नाम गोपाल है, गैया को बड़े प्यार करते हैं, तुम ये सुरभि गाभी की आनुगत्य में जाओ, ठाकुर जी माफ कर दें। बड़े सुरभि गाभी की आनुगत्य में आए, ठाकुर को स्नान कराया, अभिषेक कराया और ठाकुर जी का एक नाम रख दिया, गोविंद का नाम रख दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। श्या भक्ति तुम मुझे बोलो, देखो हमारे बीच में एक छोटी बच्ची है, कि छोटी बच्ची ये ऑनलाइन में ये क्लास देती है और बहुत व्यक्तियों को उसने भगवान की भजन में भी लगाया है। किधर आ जाओ माइक दे दो, ये कुछ भक्ति के बारे में, भजन के बारे में, क्यों भक्ति करनी चाहिए, कौन क्यों करनी चाहिए, ये कुछ बोलेगी। इधर खड़ी हो जाए, उसमें
पूज्यपाद स्वामी महाराज जी के पास एक फॉर्मर गया और बोला कि क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें भगवान तो नहीं बना सकता, पर मैं तुम्हें भगवान से भी ऊंचा बना सकता। उसने कहा, हाँ बना दो। तो वहीं पे सामने एक फोटो थी, उसमें यशोदा मैया ठाकुर जी के पीछे डंडी लेके भाग रही है और ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु है और वो मैया से डर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रभु राज जी पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे बड़ा कौन है। तो वो देख के बोलते हैं कि यहाँ पर तो यशोदा मैया बड़ी है क्योंकि भगवान इनसे डर रहे हैं। तो प्रभु राज जी कहते हैं कि हाँ, अगर कोई भक्त है तो भगवान उसके कंट्रोल में होता है। भगवान भक्तों से डरते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका प्रेम का संबंध है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर सब कुछ होता है। पर अगर हम अपने आप से ही भगवान को कुछ भी मान के बैठ जाए तो उनको ऐसे भगवान नहीं मिल पाएंगे। अगर हम गुरु वर्गों के पास आएंगे तो उनके पास भगवान है, ये हमको भगवान देते हैं माला के रूप में। जो माला है, माला बस ऐसे ही लकड़ी की मोतियाँ नहीं है, वो गुरुवर्ग अपने हृदय के ठाकुर से हमको निकाल के देते हैं। और इसलिए नहीं कि हम उनको बस एक जगह पे टंगा दें, जब मन किया माला करें, जब मन किया नहीं करें, ऐसे नहीं। हमें रोज नियमित रूप से माला करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो हमको गुरुवर्गों ने इसलिए दिए हैं कि हम उनकी सेवा कर पाए। उन्होंने अपने हृदय में अपने सबसे प्रिय जन को हमें दे दिया है, इसलिए तो नहीं दिया कि हम उनको भूखा प्यासा रखेंगे। हम खुद भूखे प्यासे रह जाए पर हमें नियमित रूप से माला करनी चाहिए। माला करने से हमको भगवान मिलेंगे और माला भगवान का नाम है। जब हम किसी का नाम लेते हैं, जब हम किसी को पुकारते हैं, तभी वो हमारे पास आ पाता है, तभी हमारा उससे कनेक्शन बन पाता है। ऐसे बस सोचने से नहीं होगा। तो इसलिए हमें गुरुवर्गों के शरणागति ग्रहण करके हरि नाम करना चाहिए। और मैं महाराज जी के चरणों में बस यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे अपने गुरु जी के चरणों में और हरि नाम में निष्ठा हो। हरे कृष्ण आज के आनंद की हाँ देखो जो बच्ची है कितने में पढ़ रही हो कितने पढ़ रही हो 10वीं में पढ़ रही है। देखो इतना छोटी बच्ची है, देखो उसका तिलक लगा है, गले में तुलसी करती है, माला जप करती है, ऐसे नहीं कल वही करती है, पढ़ाई भी करती है। पढ़ाई के साथ में भगवान की भक्ति भी करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। देखो क्या उदाहरण देते हैं, अब दिमाग में बैठा हुआ उदाहरण आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। जैसे एक रखो, एक रख करके सीधा हाथ में एक सुन्न दो, कितना होगा? कौन बोलेगा बोलो? अरे एक रख करके सीधा हाथ में एक जीरो दो, कितना होगा? 10 होगा। लेकिन ये पहले था एक, जब वहाँ एक जीरो दे दिया ना, वो जो एक 10 गुना हो गया। और एक जीरो दो कितना होगा? 100। पहले था 10, लेकिन जब एक जीरो दे रहे हो वो 10 गुण बन जाता है। और एक जीरो दो कितना होगा? 1000 होगा। एक रख करके जब उसमें एक एक जीरो दे रहे हैं ना, वो 10-10 गुण बन रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक को अभी हटा लो, अभी जीरो दो कितना होगा? और एक जीरो दो, और एक जीरो दो, भैया जीरो जीरो ही है, लेकिन महत्व किसकी? एक की। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जीरो क्या और ये एक क्या है? कहते हैं जो जीरो है ये संसार है, क्योंकि आज है कल नहीं। कोरोना में कितने लोग चले गए, एक दिन ही हमारे पिताजी के पिताजी भी गए, हम भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर संसार कहाँ जाएगा? सार बिखर जाएगा। इसलिए संसार जीरो है, लेकिन गोस्वामी जी कहती है जीरो हीरो बन सकती हैं। बोले कैसे? अगर ये जीरो एक को साथ में जुड़ जाए। बोले एक क्या है? बोले भगवान की भक्ति। हाँ भगवान की भक्ति एक है, मतलब है भगवान की भक्ति को साथ में अगर हम घर गृहस्थी करें तो आप 10-10 गुण बढ़ते रहोगे। अगर भक्ति नहीं, केवल पैसा कमाओ खाओ पियो मर जाओ, दो चार बच्चे जन्म दे दिया उनको बड़ा कर दिया मर गया, भैया कौन सा जानवर ये काम नहीं करता? सुअर को देखो, एक एक दर्जन बच्चा जन्म देते हैं 6 महीना, 1 महीना में बड़ा करती है। हम खाने के लिए 10-20 साल पढ़ाई, 10-10 घंटा काम, फिर जाकर खाते हैं,
जानवर को देखो कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी में गए, घूमते हैं जहाँ तक खा लेते हैं। सोने के लिए हमें बढ़िया एयर कंडीशन रूम चाहिए तभी नींद आएगी। उनको देखो जहाँ तक अगर हमारे टेंशन हो ना तो नींद नहीं आएगी, लेकिन उनको देखो बिना टेंशन में सो रहे। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, भैया अगर जीवन में भजन नहीं कर रहे सर कुछ कर लिया ना, भैया हम तो एक जानवर ही है। ते और सीन है सीन पूछ कटे हुए हम एक जानवर की तरह, इसलिए सब कुछ करो लेकिन भगवान की भक्ति को साथ में ही सब कुछ करो, ठीक है ना। इसलिए खूब पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये समझो पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो जगन्नाथ। खूब पैसा कमाओ, क्यों उनकी सेवा करो, बड़े सुंदर घर बनाओ, घर किसकी है, घर का मालिक कौन, ठाकुर जी। घर में झाड़ू लगाओ कहाँ लगा ले हो, ठाकुर जी की मंदिर में लगाते हो। बढ़िया साड़ी पहनो जैसे आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आओ, बोले क्यों, बोले ठाकुर को सेवा करें, ठाकुर जी को सेवा करेंगे। बच्चे को खूब लाड़ प्यार दो, बोले क्यों, बोले भगवान ने ये बच्चे दिया, बच्चा ठाकुर का है और इनको हम भगवान की भजन में लगाएंगे। इसलिए कृष्ण कोई चीज को छोड़ने के लिए कभी नहीं बताया, भगवान कहते हर चीज को मेरे साथ में जोड़ दो, छोड़ने का कोई जरूरत नहीं, दिया उसने हम कैसे छोड़ सकते, दिया तो उसने ना। इसलिए हर चीज को भगवान की भक्ति में हमें जोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए खूब घर गृहस्थी करो लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए घर गृहस्थी करनी चाहिए। ज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णु पादष्टोदर दशी सीमा भक्ति वेदांत लतीकर गोस्वामी गुरु महाराज चरण में साष्टांग दंडा प्रणाम करके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव भरद्वाज कृपाशील गौर नित्यानंद प्रभु श्री जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव समस्त वैष्णव वृंद आप सभी कथा श्रवणकारी माताएं भाई हैं सबके चरणों में अगंगा निथा जो के दंडा प्रणाम स्वीकार हो। अभी हम सात दिन से गुरुदेव के मुखारविंद से यहाँ बैठ के हमारे बहुमूल्य टाइम जो हम व्हाट्सएप में लगाते, टीवी देखने में लगाते, झगड़ा करने में लगाते, हमारे जो बहुमूल्य टाइम को यहाँ बैठ बैठ के श्रीमद् भागवतम के कथा ज्ञान सुन सुन के हमारे हृदय को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, किसको किसको बुरा लग रहा है हाथ उठाओ, सबको अच्छा लग रहा है। तो देखो भैया श्रीमद् भागवतम कोई जैसे यहाँ आ गए नाच कूद करके प्रसाद चकाचक पाल लिए, कुछ तो आते हैं प्रसाद के समय में, कुछ आते हैं थोड़ा कि टाइम पास हो जाए, और कुछ आते हैं जिनको बढ़िया नींद नहीं होता, कथा के लास्ट में बैठ जाते हैं आराम से खराटा लेके सोते हैं। तो देखो यहाँ आए हो पल्लू झाड़ना, मतलब समझ में आ रहे, पल्लू झाड़ के चले गए भैया लोग, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल करके जय सिया राम बाबा राधे राधे, आप अपने रास्ता वृंदावन और हम अपने घर। ऐसे नहीं, यहाँ आए हैं हम कुछ चीज सीखने के लिए। ये जो भागवत सप्ताह रखी गई है इसका जो मूल तात्पर्य है कैसे सनातन धर्म, कैसे हमारे हिंदू धर्म धीरे 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 पाश्चात्य सभ्यता को कैसे अपना रहे, और उसको अपनाते अपनाते हम इतने भ्रष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे इतने भ्रष्ट हो रहे हैं कि हम अपने सभ्यता को, हम अपने संस्कृति को भूल गए। देखना भारत में बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इसके लिए भारत मशहूर नहीं है, इसके लिए भारत में कोई फेमस सिटी और भारत में इसके लिए कोई जाना नहीं गया है। भारत जाना गया है किस लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने आध्यात्म के लिए, अपने धर्म के लिए, मंदिर के लिए, आस्था के लिए, विश्वास के लिए, इस सब चीज के लिए भारत जाना गया है। अभी किस लिए पता चल रहा है,
पहले 30% साउथ अफ्रीका के लोग तुलसी को नहीं मानते थे, अब 99% साउथ अफ्रीका के लोग तुलसी जी को मानते हैं। कुछ कुछ इंसिडेंट मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे भारत में ऐसा स्थिति हो गया, पहले तो 100 के 100 हमारे पूरा वेद गीता रामायण सब अध्ययन करते थे, तुलसी जी को मानते थे, आज क्या हो गया है 1% 2% बड़े मुश्किल से मिलते हैं जिनको वेद गीता रामायण का बड़ा थोड़ा सा ज्ञान होगा, ऐसा स्थिति हो गया है। बोले क्यों हुआ है, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, हम बड़े बड़े स्टार बनना चाहते हैं, हीरोज बनना चाहते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के मूवीज देख देख के जैसे बड़े बड़े हीरोइंस बनते हैं, हम अपने सभ्यता को हटा हटा करके उनके जैसा पहनना चाहते हैं, उनके जैसा रहना चाहते हैं, उनके जैसा खान पान, उनके तरह का पूरा हम फॉलो करना चाहते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज को, आप विशेष करके ध्यान देना, हमारे सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में क्या अंतर है, हमारे सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता में क्या अंतर है। देखो वहाँ एक दो दिन पहले मैं बता रहा था कि वहाँ पे कभी भी कोई बच्चा अगर जन्म हो गया तो उसको अपने पास नहीं रखती माँ, उसके पापा उसके पास नहीं रखते, उसको कहीं ना कहीं दूर भेज देते हैं। हमारी सभ्यता देखो, हम लोग पाल पोस कर कर बड़ा करते हैं, तो उनके कल्चर में क्या है कि उनके कल्चर में है जैसे उनको तो बच्चे को तो दूर भेज दिया जाता है, और दूर में रहेंगे वो सीखेंगे क्या, तो हम लोग अगर उनके कल्चर को फॉलो करेंगे तो देखना अंतिम समय में जिस समय माता पिता के बच्चे सहारा बनने के समय है, उसी समय में क्या होगा, ना बच्चे वो माता पिता के ऊपर सहारा नहीं बनके उनको ही उल्टा लड़ाई करते हैं, उनको ही वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इसलिए देखो इसमें विशेष करके पाश्चात्य देश को हम जितने अपनाएंगे हम उतने धीरे 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 हम भ्रष्ट होते जाएंगे। इसलिए देखो एक चीज है कि हम हर चीज के लिए प्रिपेरेशन करते हैं, हम हर चीज के लिए प्रिपेरेशन करते हैं कि नहीं। माताएं रसोई बनाने जाते हो तो रसोई बनाने से ऐसे उठ के चले जाते हो क्या, सब्जी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, सब चीज देखते हो, देखना पड़ता है कि नहीं। भैया लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले भाई यूनिफॉर्म ठीक है कि नहीं, ड्रेसेस कोड ठीक है कि नहीं, टिफिन ले लो। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले बुक्स उठा के लेते हैं, पेन रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, सारे के सारे पूरा। और यहाँ तक कि हम यहाँ से कहीं विदेश गए, विदेश की बात तो छोड़ो, आप यहाँ से दिल्ली से मानो आप आगरा गए देखने के लिए, घूमने के लिए, उठ के चले गए, टिकट बुक करोगे, कैसे जाओगे, कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे, पानी बोतल, ब्रश, टूथपेस्ट, सब के सब, ड्रेस, कितने दिन रुकोगे, सब के सब प्रिपेरेशन। प्रिपेरेशन के बिना हम कहीं नहीं जाते, यहाँ तक कि हम बाथरूम भी जाते हैं तो गमछा लेके जाते हैं, बिना प्रिपरेशन से हम कहीं भी नहीं जाते। और देखो हमें हर चीज का जल्दी मची हुई है, हमें हर चीज का जल्दी मची हुई है, जैसे हम कोई लंबा लाइन है सिलेंडर की गैस लेने जा रहे हैं, हम 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। ट्रैफिक पुलिस में जा रहे हैं, ट्रैफिक में देखना रेड लाइट आ जाता है, हम सोचते अरे जल्दी जल्दी चले जाएंगे, हर चीज में जल्दी मची हुई है। लेकिन हम एक दिन मरेंगे, हम एक दिन मरेंगे कि नहीं, कौन कौन अमर है, नहीं मरेंगे, सबके सब मरोगे तो पक्का मरोगे, हम एक ना एक दिन मरेंगे, लेकिन उसके लिए कोई जल्दी नहीं, उसके लिए हम धीमे हैं, पूरा धीरे धीरे हैं, उसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ से हम कहीं भी जाते हैं उसके लिए हम प्रिपेरेशन करते हैं कि नहीं, सब सामान सब रेडी करके रखते हैं, सब चीज रेडी करके रखते हैं, लेकिन एक दिन हम मर जाएंगे और मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए कोई प्रिपेरेशन है, कोई प्रिपेरेशन है क्या? बोले नहीं, कोई भी हम प्रिपेरेशन नहीं कर रहे। देखो एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज को समझो कि हमें प्रिपेरेशन, क्या प्रिपेरेशन हमें करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति चला गए, अमुक व्यक्ति चले गए, अरे चले कौन गए, व्यक्ति तो वहीं लेटा हुआ है, गया कौन, गया किस चीज, इंग्लिश में बोलते हैं पास गए हुए, अरे वो चले गए बोलते हैं कि नहीं, तो गया कौन सा चीज, व्यक्ति तो वहीं लेटा हुआ है, वहीं सोया हुआ है, तो गया क्या। तो देखो इस शरीर से जब आत्मा छूट के निकल के चले जाएगी, ये शरीर होते हुए भी कुछ काम के नहीं, काम तो ऐसे रह जाएगा लेकिन सुन नहीं पाओगे, आँख ऐसे रह जाएगा देख नहीं पाओगे, नाक मुंह ऐसे की ऐसे सब के सब शरीर में सब रहेगा,
लेकिन हम क्रिया नहीं कर पाएंगे। जो चेतन था वो उठ के चला गया। इसलिए देखो, हम इस जगत से कहीं ना कहीं हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो नित्य भगवान के धाम में जाएंगे। ये शरीर से एक शक्ति है, एक आत्मा है, एक चेतन है, एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाता है। तो देखो, ये शरीर छोड़ के जब चले जाता है तो ये शरीर के जो आत्मा जहाँ पर जाता है उसके लिए हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से, एक छोटी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक गांव में एक छोटा सा एक गरीब व्यक्ति था जिसको कुछ भी नहीं पता है, इतना अनपढ़ गवार है और कभी जीवन में टाउन देखा नहीं, कभी सिटी उटी कुछ भी नहीं देखा, गांव में जैसे घूमते हैं। तो उसको मन में बड़ा इच्छा हुआ कि भाई थोड़ा गांव में चल के घूम के आ जाऊँ, गाँव में तो अब घूमने घूमने विरक्त हो गया, अब थोड़ा टाउन में चलते हैं। तो बस में बैठ गया, बस में बैठकर पहले बार टाउन में उतरे और टाउन में उतर के इधर कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, ट्रैफिक पुलिस उसको इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि उसको पता नहीं है ना कि लेफ्ट साइड में चलना है, रेड लाइट होता है, ये होता है, ये सब नियम उसको रूल रेगुलेशन पता नहीं। इतने में वो घूमते 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 एक जगह पे पहुंचा, एक जगह पे देखा कि वहां पे क्या हो रहा था ना, कोई एक टोपी को उछाल रहे थे ऊपर, तो वो भी जाके खड़े हो गया वहां पे, टोपी को उछाल रहे थे। तो उसको देख के बड़ा इच्छा हुआ, तो वो भी जाके भीड़ में खड़े हो गया। भीड़ में खड़े होते ही कोई एक व्यक्ति टोपी को उछाला और उसके ऊपर में टोपी गिर गया। ध्यान से समझना इस बात को, उसके ऊपर में टोपी गिर गया। तो जैसे ही टोपी गिर गया, सारे के सारे टाउन के जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी भीड़ थे, उसको सीधा कंधे में बिठाए, उसका नाम पूछ लिए, भाई तुम्हारा नाम क्या है, उसने अपना नाम बता दिया, नाम बोल बोल के सब जिंदाबाद जिंदाबाद करने, उसको कंधे में बिठा दिए, घोड़े गाड़ी में बिठा करके पूरा प्रोसेशन करके ले आए, बढ़िया सुंदर आलिशान मकान दे दिया। वो सोच रहे भाई हो क्या रहा है, मैं तो आया था शहर से टाउन देखने के लिए, अब टाउन आने व्यक्ति को इतना सम्मान करते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि सपना तो नहीं देख रहे, चीटी काट नहीं, रियल है ये, वास्तव में ये हो रहा है मेरे साथ। तो उसने कोई उसके पास सुन ही नहीं रहा, उसको फूल माला दे रहे हैं, उसको फोटोज ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं जैसे हम लोग लेते हैं, और पूरा का पूरा उसको इतना सम्मानित करके एक बड़े सुंदर मकान में उसको छोड़ दिया। अब वो गांव में भिखारी कैसे कैसे रहने वाला, बड़े सुंदर मकान को देखा, एसी लगा हुआ है, डम्बल्स बेड थे, जाके तो आराम से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके एक असिस्टेंट पीओ उसको बुलाकर बोलता है, अरे एक बात बताओ, क्या सब लोग गाँव से जो जो व्यक्ति आते हैं तुम लोग ऐसे ऐसे मकान देते हो क्या? बोले नहीं। तो मुझे क्यों दिया? बोले देखिए, हमारे गांव का एक इससे सिटी का एक नियम है, एक रूल्स है। बोले क्या रूल्स है? बोले 5 साल में एक बार वोटिंग होता है, वोटिंग होता है, अच्छी बात है। तो वोटिंग होने में का जो तरीका क्या है ना, हम टोपी उछालते हैं, हम क्या करते हैं, टोपी उछालते हैं, और टोपी जिसके ऊपर गिर जाता है वो हो जाता है राजा, जिसके ऊपर टोपी गिर गया वो हो गया राजा, और आप आ गए, आपके ऊपर टोपी गिर गया, आप बन गए हमारे राजा, आप अभी हमें शासन करो। तो बड़ा खुश हो गया कोई गांव के अनपढ़ गवार व्यक्ति, और गांव में टाउन में आके एमपी एमएलए या कोई बड़े पोस्ट पे आ जाए, बड़े राजा बन जाए, तो उसको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बताओ, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो कुछ दिन तक तो भोग किया, उसके सामने नौकर चाकर आ रहे हैं, चकाचक खाना पीना सब आ रहे, सब कोई उसको पास कपड़े चेंज करने के लिए भी कोई उसको कपड़े दे रहे, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र आदि दे रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर सब ज्वेलरीज भी उसको दे रहे हैं, चैन, हाथ में अंगूठी, मोबाइल फोन, सब एबिलिटी, सब के सब सुविधा उसको दिया जा रहा है। इतने में एक दिन उसके मन में डाउट हुआ कि मुझसे पहले भाई कौन राजा था, अगर मुझसे पहले जो राजा था, मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ से आया था, मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ से आया था और कहाँ गया, क्योंकि इतना बढ़िया फैसिलिटी को कोई छोड़ के जाएगा, तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो उसने एक एक करके सबको पूछना शुरू कर दिया, एक एक करके सबको पूछ रहा है कि भाई मुझसे पहले कौन राजा था और मैं कितने दिन तक राजा हूँ, एक एक करके सबको पूछ रहा है, धीरे 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 सबको पूछ रहा है, कोई उसके कोई बात का उत्तर नहीं दे रहे। पूरा गांव में, पूरा राज्य में चारों तरफ उसने पूछ पूछ के जैसे ही गया, तो पूछने के बाद उसने एक मंत्री को बोलता है कि मंत्री देख, तुम अगर मुझे नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा, मृत्युदंड दे दूंगा।
तो उस डर के मारे बोल दिया कि महाराज नियम तो ये है कि 5 साल तक आप राजा बनोगे, और हमारे गांव के और भी एक नियम है। बोले क्या? नहीं, राजा बनने के बाद हम क्या करते हैं उसको, ये जो आपके जो महल है ना, महल के पीछे एक नदी है और नदी के पीछे घनघोर जंगल है, हम उसको क्या करते हैं उस जंगल में लेके छोड़ आते हैं। बोले फिर हमें क्या पता नदी में कितने क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ हैं और जंगल में कितने सारे हिंस पशु हैं जानवर हैं। बोले वो लोग क्या करेंगे? अरे वो लोग करेंगे नहीं, आपको देख के आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो लोग अपने आप कर लेंगे, वो लोग अपने आप कर लेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम लोग बस उसको लेके वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो राजा तो घबरा गया, क्योंकि 5 साल के बाद उसका मृत्यु तय है। अब वो सोचने लगा, साधु के पास जाके हर जगह से उसने राय लिया और एक बढ़िया काम किया। तो क्या काम किया हम सुनेंगे। जैसे ही उसका दिन बढ़ते जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा उत्सव कर रहा है, बड़ा पार्टी शार्टी कर रहा है, हाँ, तो सब लोग देख के हैरान हो रहे, अरे भाई पिछले जितने भी राजा आए हैं सबके सब तो बड़े दुखी हो जाते हैं, रो रो के जोर जबरदस्ती हम उनको लेके नदी के उस पार जंगल में छोड़ाते हैं, लेकिन ये राजा तो बड़ा उत्सव आनंद हो रहा है, बड़ा इसके मन में बड़ा आनंदित हो रहा है, तो चक्कर क्या है? तो जिस दिन उसका लास्ट डे आया, लास्ट डे में भी वो बड़े सज धज करके कुछ जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, तो नदी के उस पार जैसे ही उसको छोड़ देते हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि नदी के उस तरफ यहाँ से भी बड़े सुंदर एक राज्य बना रखा है, बड़े सुंदर एक राज्य बना रखा है। और जैसे उसको वहां पे छोड़ दिया तो यहाँ भोग करना था और वहां भी जाके भोग किया। तो देखो शिक्षा क्या है, वो था राजा, सारे काम उसके बस में था, इसलिए उसने क्या किया, इस राज्य के जितने भी संपत्ति को सब लेके उस राज्य में, जैसे जहाँ पे जंगल था ना, वो जंगल को हटा करके यहाँ से भी सुंदर राज्य वहां बना दिया, और नदी में जितने भी मगरमच्छ था उसमें बड़े बड़े सीप बड़े बड़े ये करके वहां पे जाने की पूरा व्यवस्था कर दिया। तो देखो उसने प्रिपेरेशन किया कि नहीं। इसी प्रकार हम इस जगत से उस जगत में जाएंगे, हमारे पास प्रिपेरेशन क्या है? बोले हमारे पास प्रिपेरेशन है ये भगवान का नाम। ये भगवान का नाम ही ऐसा एक वस्तु है जो इस जगत से हमारे साथ उस जगत तक जाएगा। सोना चांदी धन दौलत यही खजाना यही पड़ा रह जाएगा। मीरा कहते हैं कि जितने भी सोना चांदी हम जितने भी इनकम करते हैं, जितने भी घर मकान आदि हम जितने भी अभी फैशन कर रहे हैं, और क्या हम मरते समय लेके जाते हैं? ऐसे कभी देखे हो? बोले कोई नहीं लेके जाता, सब यहीं के यहीं रह जाता है। केवल भगवान के नाम ही एकमात्र ऐसा वस्तु है, भगवान के नाम के व्यतीत और कोई भी उस जगत में उस कर जगत में हमारा कोई भी सहारा नहीं बनेगा। इसलिए सबको एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। मैं कल बताया था ना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले थे इसको याद है? अरे बोलो क्या बोले थे? सब भूल गए सब। इसलिए महाप्रभु बोले जो लखपति होगा उसके घर में भोजन करेंगे। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर। भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, अब तक जो लखपति बनेगा। फिर महाप्रभु सबको बैठाए समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले जो रोजाना 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करती हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर हो तुम लागा लोगे। अब देखो मेरे तरफ में और एक बार आपको दिखा देता हूँ, सब पे एक एक माला दूंगा, ठीक है ना? माला लेकर खुद भी करो, बच्चों को भी कराओ, जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको हरिनाम कराओ, देखना पढ़ाई में मन लगेगा, हैं? क्लास में फर्स्ट आएगा। इसलिए इसका मतलब तो हरे कृष्ण, हरे मतलब क्या? हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर लिया। कृष्ण मतलब क्या है? आप देखना घर में सब कुछ है लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। लेकिन क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, जो ये मन को जो शांति देता है। बोले राम मतलब क्या है? बोले जीवन में जो आराम दे। क्या दे? अरे बोलो जोर से, आप बताओ, हम संसार में यही तो चाहते हैं ना,
दुख दूर जाए, मन को शांति मिले और जीवन में आराम मिले। ये भगवान के इसमें तीन नाम है जो हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो बोल करके ना इसमें एक मोती सरकता है, ध्यान देकर देखो, यही भागवत का सार है। एक माला दूंगा करना जरूर, ठीक है, और दो माला करते दो, तीन करते तीन, करते करते जब यहाँ खत्म हो जाएगी इसको पार नहीं करवाना, ठीक है ना, क्योंकि ये सुमेरु राधा कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए उनको लंगते नहीं, पार नहीं करते, फिर ऐसे घुमाते, फिर दूसरे तरफ से करो। लेकिन एक लाख कैसे होता है, और एक बार बोल देता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। एक सरकाते 16 बार, दूसरा लेते 32 बार हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाती हैं। अगर इसको कोई 16 माला रोज कर ले उसका हिसाब से 25,000, अगर किसी ने 64 माला कर लिया ना, भगवान खुद कहते हैं बोले 1,00,000 हो गया, बोले 1,00,000 माला नहीं की, 1,00,000 माल तुम्हारे नाम पर बैंक में डिपोजिट हो गए, ये भगवान खुद कह रहे हैं। 1,00,000 रुपया, बोले भैया इसका ब्याज कितने मिलेगी, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसलिए मीरा कहती है बोले दीन दीन बड़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पा, कहते आज अगर 1,00,000 किया ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000 हो गया। केवल ये आपको डिपोजिट हो रही है, आप लोगों ने कबीर का नाम सुने, कौन कौन कबीर का नाम जानते हो, देखो ये कबीर क्या कहता है, बोले मरने में सब जगह डरे मेरा मन आनंद है। अभी कोरोना आया था ना, सबके सब घर में बंद हो गए, क्यों मरना नहीं चाहते, बोलो कौन मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहते, लेकिन एक कबीर कहता है मैं तो खुश हो रहा हूँ मरने का नाम सुनकर। किसने पूछा भैया तू क्यों खुश हो रहे हो, तो कितना अच्छी बात कहता है, बोले लोग क्यों डर रहे हैं मरने के लिए, जानते हैं कोई प्रिपरेशन उन्होंने नहीं किया है इसलिए डर रहे हैं। लेकिन कबीर कहता है जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया, मेरे को पता है मेरे लिए माला ही माल है, माला ही माल मेरे लिए तो वैकुंठ से रथ आएगा, रथ में बैठ करके सीधा ठाकुर के पास में जाऊंगा, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। दूसरे क्यों डरते, भजन नहीं किया ना, कल 4 गोहों की कथा सुना रहा था ना, किसको याद है, हाथ उठा, याद है 4 गोहों की कथा सुना सकते हो, पहला गोह कौन था, ये शरीर, जिस शरीर के लिए हम इतना करते हैं, लेकिन जब पहला गोह को बोले साथ में चलोगे, उसने क्या उत्तर दिया था, एक कदम भी नहीं चलूंगी, जिस शरीर को रोज क्रीम और ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया च्यवनप्राश और पराठा शाही पनीर खाते हैं, लेकिन ये शरीर साथ में जाएगी। दूसरी पत्नी कौन थी, जो सबसे सुंदर थी, वो क्या था, धन है, जिसको कमाते हैं दुनिया को दिखाते, उसको पूछा साथ में चलोगी, उसने क्या उत्तर दिया था, बोलो मैं दूसरे से शादी करूंगी, तैयारी कर रही हूँ शादी करने का, मतलब आज पैसा हमारी पास में, शरीर छूटते ही बच्चों का नजर पैसा का प्रतीक्षा थी, पैसा दूसरों का नाम पर चले जाएगा, जो जाएगा वही भोग करेगा, बोलो भैया मैं दूसरे तरफ में चली जाऊंगी। तीसरी पत्नी कौन थी, बोलो, कोई कथा नहीं सुने, बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा जिसकी बोली सुनकर बड़े खुश होता था, हैं, जब उसको पूछा साथ में चलोगी, पत्नी का नंबर आई, साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक जाएंगे, पत्नी कहाँ तक चलती, दरवाजा तक, परिवार वाले से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए आरती सजाएंगे, और कहाँ तक चलोगे, बोले शमशान तक चलूंगा, वहीं पर जला करके टाटा करते करते वापस आ जाएंगे। आप बताओ चौथी रानी कौन थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट, उसको घर की कोने में फेंक कर रखा था, लेकिन जब अंतिम समय आया उसको पूछा तब लोग वही जाने के लिए तैयार हैं, वो कौन थी, हाँ तब लोग तुम लोग याद कीजिए, ताली बजाओ तुम लोग भी, तुम लोग याद करो, इसलिए कहते भगवान की भक्ति और ये भगवान के नाम है, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके रखे बेकार, जिसका काम धंधा नहीं, को माला बैठकर जब करते हैं, हमारे बहुत काम, टीवी देखेंगे, स्मार्टफोन चलाएंगे, दुनियादारी की बात करेंगे, लेकिन भजन के समय कहाँ, लेकिन अंतिम समय में यही साथ में जाएगी,
और क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सभी बात झूठा है, हैं? इसलिए भगवान का नाम, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान तो प्रभु की भक्ति में। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे बोले 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, गुरु जी कहते थे, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, क्योंकि यही तुम्हारी साथ देने वाले, गुरु जी कहते थे, हैं? और एक चीज समझो, अच्छे तरह समझो, दिमाग लगा करके, गुरु जी कहते थे, देखना अक्सर करके संसार में जो काम हम करते हैं ना, दूसरों को खुश के लिए, है कि नहीं? पति को कैसे खुश करे, पत्नी को कैसे खुश करे, बच्चों को कैसे खुश करे, बहू को कैसे खुश करे, नाती को कैसे खुश करे, अपना लिए देखना बहुत कम करते हैं, करते कि नहीं? सबको खिला पिला करके अगर कोई सब्जी बची तो खाई, नहीं तो रोटी से दो रोटी, दो नमक से दो रोटी खा लेते हैं, कहे कि नहीं? ऐसी जीवन। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपको ऊपर में कोई संसार में खुशी है? आप बोलो, संसार में जिनके लिए हम करते हैं, आपको ऊपर में संसार में अभी तक किसको खुश कर पाया कि? तुम्हारी पीछे तुम्हारी चुगल के सिवाय, तुम्हारी बदनाम की सिवाय पीछे तुम्हारी कुछ भी नहीं हो रही, मानती कि नहीं? सास होगी, बहु सास की, परिवार की, चुगली और कुछ नहीं। इसका मतलब है जिस दुनिया के लिए तुम इतने मर मिट रहे हो, तेरे को बदनाम के सिवाय कुछ भी देने वाले नहीं। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को देखो, कृष्ण को देखो, भगवान के अंगुल कट गया, ठाकुर परीक्षा कर रहे थे, अंगुल कट गया, द्रौपदी वहीं पर थी, देखते देखते अपना साड़ी को फाड़ दी और ठाकुर के अंगुल में बैंडेज कर दी, बस ठाकुर जी खुश हो गए, बोले कब मौका मिले, कब इसकी रिन्यू चुका है। अब महाभारत देखे होंगे, जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, आप बताओ द्रौपदी के कितने पति थे? बोले कितने पति थे? 5। सर्वश्रेष्ठ गांधी भाई अर्जुन, गदाधारी भीम, भाला युद्ध में युधिष्ठिर, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में, बताओ अंतिम समय में कोई काम में आए इसकी? बोलो कोई काम ना आए। जब द्रौपदी के 5 पति नहीं है, हमारे एक पति क्या काम में आएगा? आप बताओ लास्ट में काम में आया था कौन आया है? अरे बोलो कौन आया? भगवान जगन्नाथ जी आए, कमी आए, शिक्षा देते भैया जिसके लिए जितने कर लो कुछ भी मिलने वाले नहीं तेरे को, जितने रगड़ करके शरीर को लगा दो, लेकिन भगवान के लिए। सुदामा कृष्ण के पास में गए, 2 मुट्ठी चिड़ी वाले मिल गए, ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी, नहीं अपने 2 मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर 3री मुट्ठी खाओगे तो मैं जो लक्ष्मी दासी बन जाओ। अब देखे होंगे जब सुदामा आया सोने के महल, पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई, पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि ठाकुर को दिया है ना, कर तो किसके लिए करो? इसलिए गुरु जी कहते थे करोड़ों काम के पीछे छोड़ो, भगवान की भजन करो, जाएगा यही। और जिनके लिए दिन भर लगे हुए शरीर को रगड़े कोई जाएगा नहीं, और तेरे को चुगली के सिवाय बदनाम के सिवाय कुछ देने वाले नहीं, ठीक है ना? क्या करना, सबसे पहले उठ करके हरि का नाम जप करो, प्रभु की भजन करो, वही काम में आएगी। देखो हमारे जितने पूर्वजों को देख लो, तुम्हारी मैया को देख लो, क्या करते थे? सवेरे जल्दी जल्दी उठते थे, गोपाल जी को स्नान कराते थे, तिलक लगाते थे, तुलसी में पानी देते थे, यही करते कि नहीं? बोलो तुम देख लो खुद अपना परिवार, क्यों? उनको जानते थे यही काम में आने वाले हमारी, इसलिए सवेरे हमारी पूरा भारतीय संस्कृति यही है, सवेरे उठ करके ठाकुर को सेवा पूजा, जानते हैं दुनिया जिसने दिया है कृपा करके उसकी दुनिया है, ठीक है ना? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देखो, मैं जितना कहानी सुनाता हूँ उसको याद कर लो, बड़े काम में आएगा। अभी प्रश्न होता है हमको क्यों भक्ति करनी चाहिए, क्या जरूरत है, एक छोटी सी कहानी सुनाना, अच्छे तरह से उसको याद करो, दूसरों को भी सुनाना, देखा ना छोटी बच्ची कितना कथा बढ़िया कथा सुना है, इसलिए आप भी इसको याद कर लेना, क्यों प्रभु की भक्ति करें। बोले एक समय कोई एक भिखारी था, वो भीख मांग रहा था, भीख मांगते मांगते एक बहुत बड़ा जमींदार घर में पहुंच गया, बोले बाबूजी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो खाने के लिए तेरे भला होगा। इतने में मालिक निकला, बोले भैया तू तो हटे कटे दिख रहे हो, तो काम करके भी तो खा सकते हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोले मजबूरी से। बोले क्या मजबूरी है? बोले मैंने बहुत कोशिश किया है काम करने के लिए,
लेकिन इस सोने में भी हाथ लगाए तो वो मिट्टी हो जाता है। तो जमींदार ने कहा, देख बेटा आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस चावल का बिजनेस है, मैं तुमको अपना पार्टनरशिप देता हूँ। क्या देता हूँ? जो लाभ होगा 50% तेरा, 50% मेरा। अगर कोई भिखारी किसी जमींदार घर में पहुंचे, बोले बोल दे तो पार्टनरशिप आधा आधा, बताओ माला माला हो गया ना। बोले लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, ये सचमुच से देना चाहता ना, हंसी दिले कर रहा है। बोले नहीं हंसी दिले नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तू बोलोगे ना पूरा के पूरा बिजनेस आज तू मेरे ले। लेकिन एक काम करियो। बोले किया? बोले 10% है मेरा और 90% है तेरा। कितना बोलो? अरे बोलो जोर से। आप बताओ 10% किसका है? किसका पता नहीं सुन रही। 10% जो मालिक है, जो जमींदार कहते हैं 10% मेरे को दो और 90% तू रख ले। बोले बाबूजी कोई चिंता मत कर, दिन भर परिश्रम कर कमाऊंगा और महीना खत्म होने से पहले तेरे घर में पहुंच जाऊंगा। अभी बोला आज से काम कर ले। बॉस को काम में लग गया, लेकिन मालिक सोच रहा है 10% आएगा। लेकिन जब एक महीना बीत गया ना, उसको देने के लिए आया ही नहीं। उसने सोचा पूरे बिजनेस दे दिया, वो बोल रहा था महीना पूरी होने से पहले देगा, वो आया नहीं मुंह दिखाने के लिए। उसने सोचा जिसे अगले महीना में 20% आएगा, लगता है अच्छे काम कर रहा है, अच्छे तरह से काम करो। लेकिन दूसरे महीना भी नहीं आया, 6 महीना जब बीत गया। बोले भैया ज्यादा कमाने का चक्कर में राम नाम सत्य तो नहीं हो गया? इसके बाद देख कर कहता हूँ क्या कर रहा है। जब उसने आया देखने के लिए, क्या आलीशान मकान बनाया, क्या बड़ी बड़ी गाड़ी सामने खड़ी हुई, कितने नौकर चाकर घर में काम कर रहा है। जब इसने गया, जो मालिक है ना, बूट कोट सूट पहने करके ऊपर से नीचे आया, तब ये मालिक कह रहा है भैया मेरे को पहचानते हो? तो वो कह रहा है तुम कौन हो? तुम ध्यान कर सुन रहे कि नहीं? तुम माता की कथा सुनो, तुमको पूछूंगा क्या कथा सुनो। इसलिए कहते हैं तुम कौन हो, देखो अच्छे तरह सुनो, बड़ी कीमती चीज है, आज जीवन बदल जाएगी तुम्हारी। लेकिन वो नौकर क्या कह रहा है? बोले तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूँ? तू भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजा पर आ रहा था, 3 दिन से भूखा था, वो सारे बिजनेस मेरे को तेरे को दे दिया। और क्या बात हुई थी, 10% है मेरा, 90% तेरा, 90 तू रख, 10 मेरे को दे दो। लेकिन 6 महीना हो गया तू अभी अपना मुंह दिखाने के लिए भी नहीं है, क्या चक्कर है? लेकिन वो नौकर कहता है किस चीज की 10% काम करूंगा मैं, परिश्रम करके पैसा कमाऊंगा, तेरे को बैठे बैठे 10% दूंगा। अगर तुम्हारी साथ में अगर ऐसे कोई व्यक्ति करे, आप बताओ वो व्यक्ति का आप क्या बोला? माता जी क्या बोलोगे? जोर से बोलो, तुम क्या बोलो? तुम क्या बोलो? विश्वासघात। और क्या कहो? जाने तो धोखेबाजी कौन है? हम। आप बताओ जन्म से जब आए, जन्म का समय में हम साथ में क्या लाए थे बताओ? कुछ लाए थे साथ में? खाली हाथ में आए हैं, खाली हाथ में आए थे, सुनिए हाथ से आए, जिसकी कृपा से ये मानव शरीर मिला। अगर वो चाहते ना, देखो ये पास में पागल खाना है, जान तो पागल होकर घूम रहे हैं, वो अगर चाहता तो ये पागल बना सकता था, लेकिन हमें पागल नहीं बनाया। कितने लोगों को देखो लंगड़े लुढ़े घूम रहे हैं, वो चाहता तो तुम्हें लंगड़े लुढ़े बना सकता था, चाहता तो ये पेड़ जीवन तुमको दे सकता था, लेकिन उसने सब चीज दे दिया है, हम घट्टे कट्टे सुंदर शरीर उसने दिया। इसलिए सूरदास का एक पद है, कहते जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल कलकाम। ये सूरदास का पद है, जिसने शरीर दिया सब कुछ तुमको जीवन में दे दिया, पढ़ाई लिखाई दिया, तुमको इतने इंटेलिजेंट बनाया, लेकिन जब कहते भजन करो मेरे को 10% दो। 10% मतलब क्या? वो पैसा हमसे नहीं मांगा, तू कमाई का पैसा मेरे को दे, कहते 10% समय मेरे को दे। मतलब 3 रात मिलकर 24 घंटा होता है, 10% कितना होता है? करके 2.5 घंटा होता है, कितना होता है? बोलो जोर से। वो कहता है 2.5 घंटा मेरे भजन करो, अगर 2.5 घंटा अगर 10% नहीं दे सकते हो भैया, 5% तो उसको दे सकते हो, मतलब 1 घंटा तुम्हें 20 मिनट दे सकते हो। अगर आप 5% नहीं 2% दे सकते हो कि नहीं, उसका 0.5 घंटा दे सकते कि नहीं? कौन कौन देगा हाथ उठा के? जोर से हाथ उठाओ, क्या शर्म की करते हो? मतलब है आज से
समय देना मतलब उसके नाम जप करना। कली युग केवल नाम आधार, भगवान सबसे सरल उपाय बताया हरि का नाम जप करो, ठीक है ना। सबको एक एक माला दूंगा, सबके सुबह की माला ले जाना, ले करके हरि का नाम को जप करो, यही उनका समय देना, ठीक है ना। और अंतिम समय में यही धन ही जाएगा, ठीक है। बुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक स्टोरी सुना था, लास्ट है ना, कुछ दे करके जाना चाहता हूँ। इतना दिन तक हमने जो सुनाया है, अच्छी अच्छी कथा सुने, खूब नाचे कूदे, हम चाहते हम संत है ना, अब से अपना हम कुछ देने के लिए आए हैं। हम चाहते ऐसे ऐसे चीज दे करके जाए और जिसको लेकर घर में अब शांति में रहो, जीवन में सुख में अब जीवन में रहो। मतलब एक समय कहते भगवान की दीक्षा मंत्र क्यों ग्रहण करनी चाहिए, ये पद्म पुराण की कथा है। मतलब एक समय दो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे और पत्नी बड़ी पतिव्रता नाज, पति का चरण रोज धोता था, चरणामृत लेता था, पति को बैठा करके इधर पंखा झुलाया करता था, भोजन करवाया करता था, पति को बड़ी सेवा करती थी पतिव्रता नारी थी। एक दिन पति कहीं बाहर गए हुए थे, इतने में नारद जी आए। जब नारद जी आए तब उन्होंने नारद जी को बड़ी सेवा पूजा की, बैठाया, चरण धोए और बड़े सुंदर रसोई बना करके नारद जी को उन्होंने भोजन करवाया। जब भोजन करवाया, जब नारद जी भोजन कर लिए ना, इतने में नारद जी जब उसको तरफ में देखा, उसने देखा उसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं और उसका यहाँ तिलक भी नहीं। इसका मतलब है उसने कहीं कृष्ण मंत्र से, सदगुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लिया। शास्त्र में कहता है जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है वो केवल दीक्षित व्यक्ति के हाथ ही से भोजन करनी चाहिए, लेकिन नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उसको तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं। नारद देख करके बोले भैया मेरा धर्म कर्म सब खत्म हो गया, इसकी तो गले में कंठी नहीं तिलक नहीं। वो देखते देखते ना उसको सामने उसने उल्टी कर दिया नारद जी। वो बड़ी दुखी हो गई, घर में संत आए, इतने कष्ट करके भोजन कराओ, अगर वो उल्टी कर दे बुरा लगेगा ना हमको। बोले हमने इतने कष्ट करके भोजन करवाया, उन्होंने तो उल्टी कर दिए। बोले बाबा मेरे को क्या करना पड़ेगा। बोले देख बेटी, जब तक कोई कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं होते हैं, गले में कंठी तिलक नहीं, हम उसकी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। बोले बाबा तब तो हमको दीक्षा मंत्र दो। तब उन्होंने उनको दीक्षा मंत्र दिए। बोले देख बेटी, बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है उनसे थोड़ा दूर रहे, उनसे दूर रहना, जब कोई जरूरत होगा ना मेरे को बुलाना, मैं आ जाऊँगा। इतने में गुरु जी चले गए, पति आए थोड़ी देरी बाद, लेकिन रोज पति की चरण धोती थी। लेकिन आज जब घर में पति आए ना, वो पास में जाकर चरण नहीं धोई, पानी को फेंक कर दी पति को चरण। थाली जैसे बैठा कर खिलाती थी, अभी थाली लेकर के सरकार करके दी, उसको पास में नहीं गई। बोले देखो नारद जी से हमने मंत्र ग्रहण किया, गुरु जी बोले जो दीक्षित नहीं दूर रहो, आज मेरे घर में तू सो नहीं सकता, अलग घर में सोया कर। पति तो बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले बाबा ने क्या पट्टी बढ़ा कर गई मेरे पत्नी को। बोले तेरे गुरु जी कौन है। बोले नारद जी। बोले उनको बुला सकते हो। बोले हाँ, गुरु जी बोले जब जरूरत पड़े मेरे को बुलाना। इतने में उसने गुरु जी को याद किया। बोले गुरु जी मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। जब याद किया ना, नारद जी झट प्रकट हो गए, एकदम उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। इतना चमत्कार को नमस्कार। बोले बाप तो दम है, गुरु जी का स्मरण करते ही गुरु जी आ गए। इतने में बोले गुरुदेव आप मेरी पत्नी को दिखा दी, मेरे को मिली नहीं, पत्नी मेरे से दूर रह रही है, आप मेरे को भी दीक्षा मंत्र दो। बोले ठीक है बेटा जाओ स्नान करके आओ। जब स्नान करने गए वहाँ पर सब इतने यार दोस्त थे। बोले तू तो अभी थोड़ी देरी पहले तू भी नहा करके गया, फिर नहाने के लिए क्यों आए। बोले गुरु जी बोले नहा धो करके आओ, दीक्षा मंत्र देंगे। आप देखना जगत में ऐसे कुछ लोग हैं ना, बिगाड़ने वाले तो बहुत लोग, लेकिन संवारने वाले बहुत कम होते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत व्यक्ति है। जब ये बात को बोले, बोले अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी क्या दीक्षा मंत्र लोगे, अभी छोट तो मर रहे हो हैं, अभी क्या भक्ति कर रहे हो, बाद में मंत्र दिखा लेना। क्यों जानते हैं, अगर ये मंत्र दिखा लेगा तो हमारे पास में बैठेगा नहीं, हमारे पास है जो हम अड्डा मारते हैं बैठ के आएगा नहीं। बोले जा गुरु जी को बोल दो। बोले बाद में ले लूंगा, गुरु जी को बिगाड़ दिया। उसने वापस आया, बोले गुरुदेव मैं कुछ दिन बाद में मंत्र दिखा लूंगा। जब बोले अभी कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु हुई। देखो ये शंकर पार्वती को कह रहे हैं, ये श्लोक है,
बोले अति कितस्य बामरो कृतम सर्वम निरर्थक। शंकर जी पार्वती ऊपर है, बोले पार्वती जो व्यक्ति भगवत मंत्र में कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लेते हैं उसका जितने काम है वो सब के सब निष्फल हो जाता है। बोले पशु जो नीम अपनवाद अगले जीवन में जो दीक्षा मंत्र नहीं लेते हैं उनको जानवर जीवन में पशु जन्म में जाना पड़ता है। ये शंकर स्वयं कहते पार्वती को। अभी दोनों तो मरे लेकिन पहले जन्म में भक्ति की, इसलिए मीरा कहती है ना दीन दीन बढ़त स्वभाव। इसलिए उसने राजा की घर में बेटी बन करके आई है, राजा घर में इतने सुंदरी वो बनी क्योंकि भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति बढ़कर के प्रकट होती है। इसलिए उन्होंने राजकुमारी इतने सुंदरी बनकर के आई सारा दुनिया तरसते थे उसको पाने के लिए, क्यों भक्ति की है, ये भक्ति की फल है और बचपन से भक्ति की भाव। लेकिन चूंकि उसको पति ने दीक्षा मात्र नहीं लिया इसलिए अगले जीवन में उसी देश में वो हाथी रूप में जन्म लिया। ये शंकर स्वयं कहते पार्वती को दीक्षा मात्र नहीं लेके तो हाथी जीवन में पशु जन्म में जाना पड़ेगा, वो हाथी जीवन में जन्म लिया। अभी राजकुमारी को स्वयंवर सभा होता है, अपना मनमर्जी पति चुनती हैं, देश देश के राजा है। जब वो माला लेकर गई किसको हम गले में देंगे, लेकिन भक्ति की ना इसलिए पूर्व जन्म किसको बाद याद है। इतने में हठात देखा सामने हाथी खड़ा हुआ, उसको पूर्व जन्म की याद आ गई, बोल ये तो मेरे पूर्व जन्म में पति थे लेकिन ये दीक्षा मंत्र नहीं लेने का वजह से असत संग से ये तो हाथी बन करके आए। उसने किया कि माला को लेकर के वो हाथी की गले में दे दिया। जब हाथी की गल में दे दिया जितने राजा लोग थे बोले ये क्या, इतने सुंदर सुंदर राजा रहते हुए ये हाथी गला में। राजा ने बोले बेटी तुमने क्या की, इतने राजा बैठे हुए तेरे को पसंद नहीं आया कि जानवर गले में माला दी। बोले पिताजी ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे, नारद जी हमारे घर में आए हुए थे, मैंने तो नारद से दीक्षा मंत्र लिया है इसलिए मैंने अच्छी संस्कार से आपकी बेटी बन करके इतने सुंदरी बन करके आई, विश्व सुंदरी बन करके। लेकिन उसने कृष्ण मंत्र नहीं लेने का वजह से उनको ये जानवर जीवन में जाना था। बोले बेटी अभी बताओ क्या होगा, क्या हाथी से तुम शादी करोगे। बोले पिताजी मेरे को गुरु जी बोल कर गए, बोले बेटी अगर कभी जरूरत पड़ेगा मेरे को याद करना मैं आ जाऊंगा। बोले बुलाओ गुरु जी को, तो उन्होंने नारद जी को याद किया। बोले गुरु जी कृपा करके आओ, याद करते ही नारद स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। राजा देखा क्या गुरु जी याद करते नारद आ गए। तब बोले बेटी क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात ये जानवर जीवन में आया, ये असत संग से पढ़ करके भक्ति नहीं किया, मेरे पति के ऊपर कृपा करो। नारद तो नारद है भगवान की परम भक्त। इतने में नारद जी जब हाथी का सर पर हाथ रखा ना, वो हाथ रखते ही इतने में उसकी हाथी शरीर छूट गया, बड़े सुंदर राजकुमार बनकर प्रकट हो गए, बड़े सुंदर राजा बनकर प्रकट हुए। प्रकट हो गए ना सीधा उन्होंने नारद जी के चरण में, बोले गुरु जी और दीक्षा मंत्र में मैं विलंब नहीं करूंगा क्योंकि दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते मैंने ये पशु जटी को प्राप्त किया, अभी मेरे को कृपा करो। इसलिए कहते ना कल कर सो आज परवार आज कर सो अब है, इसलिए गुरुदेव हमें दीक्षा मंत्र दो। तब नारद जी दीक्षा मंत्र दिए, दोनों शादी हुई, दोनों ही भजन किए, फिर उनको भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए नियम है क्या करनी चाहिए, गले में जरूर तुलसी कट्टी धारण करो। जब महाराज स्वयं कहते जब दूतों को जो व्यक्ति भजन करते हैं उनको मेरे पास में बतलाना, बोले पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता। तो उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे कुछ सद्भाव स्त्रियाँ, हमें पेश पता कहीं चलता तुम सद्भाव, सिंदूर लगाए मांग बड़ी चूड़ी और अच्छे अच्छे कपड़े नाक में बेसर पहन, पता चलता ना सद्भाव है। इसलिए जब महाराज कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, जब स्वयं कहते थे श्लोक है बोले ललाटे तिलकम, वो ललाट में तिलक लगा, कंठे त्रिकंठिका गले में तुलसी की माला पहनते हैं और भगवान के नाम जप करते हैं। जब ये चीज को देखना समझ जाना ये भगवान की भक्ति करते हैं, उनको दूर से प्रणाम कर लेना। अगर कोई गलत काम करते हैं स्वयं जब कहते मैं विचार नहीं करूँगा, विचार ठाकुर जी करके जगन्नाथ वो विचार करेंगे, मैं विचार नहीं करूँगा। इसलिए गले में तुलसी कंठी पहनने का बड़ा महत्व है। अब तो हिंदू है देखना तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, देखे हो, क्योंकि वो लक्ष्मी है, गले में कंठी मतलब क्या हो गया माँ लक्ष्मी की निवास। भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए, ये तुलसी में छोड़ कर गए।
इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी है ना, उनकी गले में लक्ष्मी नारायण की निवास। अब जगन्नाथ जी बताते स्वयं तुलसी माला ठाकुर, स्वयं जगन्नाथ कृष्ण राम नारायण, ठीक है ना, ये भी स्वयं तुलसी माला को धारण करते हैं, ठीक है ना। और जो तुलसी वृक्ष पहले मैं बताया था, हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो व्यवस्था देकर गए हैं उसमें सब साइंटिफिकल रीजन है। ये मत समझो अरे क्या बाबा लोग क्या बोलकर, नहीं, बड़े बड़े साइंटिफिकल रीजन गले में तुलसी कंठी धारण करने का। पहले मैंने बताया था ना, जो कोरोना आया था सबसे पहले दवा किसने निकला था, मतलब जोर से बोलो, रामदेव बाबा ने कोरोना ने निकाला था। अब उसको पढ़ करके देखो 80% उसमें तुलसी है। जब कोरोना सारा दुनिया में अफेक्ट किया लेकिन एक जगह पर कोरोना गई नहीं, वो हिमाचल में एक गांव में। मीडिया लोग को बड़े आश्चर्य हुए, सारा दुनिया में कोरोना, यहाँ पर कोरोना नहीं, और मीडिया लोग वहाँ पहुँच गए, भाई क्या कारण है। देखा पूरा गांव के चारों तरफ में तुलसी, हर घर घर में 10-20 करके तुलसी लगाया हुआ, इसलिए वहाँ पर कोरोना गई नहीं है। इसलिए ये अब रामदेव बाबा पातंजलि में जाना, वहाँ तुलसी, अब देखना तुलसी बिकती जूस है, अब पढ़कर देखना उसमें किया, कहते 200 बीमारी की प्रतिषेध का मेडिसिन ये तुलसी में, कहते कैंसर तक भी जिसका कोई आंसर नहीं, हमने स्वयं देखा एक माता जी की कैंसर हो गई, सारे डॉक्टर जवाब दे दिया लेकिन किसी आयुर्वेदिक के पास में गया, बोले तुलसी का जूस पिया कर, और पिया तो कैंसर सही हो गया, इतने इसके शक्ति है। इसलिए गले में तुलसी का स्नान किया, सारा पानी में, सारा शरीर में पानी जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारी निकल जाएगी तुम्हारे शरीर से, कहते पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना हो जाएगा है इतने। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ठाकुर को जिसे भोग लगा, कहते ना छापान भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी है, वो भी बड़ी साइंटिफिक रीजन है, उसमें जितना व्यक्ति व्यक्ति है अन्य तुलसी पता डाल के खराब हो नष्ट हो जाती है। और पहले मैंने बताया था जो हिंदू लोग जो पेड़ पूजा करते हैं, कौन सा पेड़ की पूजा होती है बोलो, पीपल को, बरगद को, नीम को, जगन्नाथ के दारू ब्रह्म नीम में बनता है, और श्री कहते केले, और हमारे सिर्फ तुलसी है। आप देखोगे सारे वृक्ष दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन जितने पेड़ हम लोग पूजा करते हैं ना, वही वृक्ष रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही वृक्ष। इसलिए कहते हैं ना हिंदू लोग अपना आंगन में क्या, कौन सा वृक्ष लगाने के लिए कहते हैं, तुलसी वृक्ष है। इसलिए अब जितने माताएं तुलसी वृक्ष रखती है ना, समझो तुम्हारी घर में तुलसी नहीं, माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान का निवास है। इसलिए उसमें ऑक्सीजन छोड़ता है, जहाँ तुलसी पौधा हो ना, अगर कहीं वज्र गिरता है कहते 100 मीटर दूर पर गिरेगा, जहाँ तुलसी वृक्ष है 100 मीटर तो अंदर भी नहीं गिरेगा, इतने साइंस ये तुलसी में, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, गले में तुलसी की कंठी पहनना, जिसकी इच्छा होगी ना, कथा के बाद में मेरे पास में ना, सब गले में कंठी दूंगा, लेकिन इसको पहनने के लिए नियम है, लगता है आप लोग तो मांस मछली खाते नहीं होंगे लेकिन कोई प्याज लहसुन खाते होंगे, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको पहनने के लिए इतने चीज को छोड़ना पड़ेगा, जो छोड़ेगा आप लोग आ जाना, आपको गले में एक तुलसी कंठी दे दूंगा, ठीक है। और ये तिलक जरूर लगाया करना, ये गोपी चंदन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ठाकुर का दो चरण है, ठाकुर का नीचे जैसे तुलसी पत्ता देता है ना, ये अब तो हिंदू है, देखना जैसे कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए जाते हैं, हम क्या करते हैं, तिलक लगा कर बैठते हैं, है ना। घर में ब्राह्मण आएगा पूजा कराने के लिए, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा पूजा ही नहीं करता, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। इसलिए पहले देखना हमारे भारत में, देखो जगन्नाथ जी को तो तिलक है कि नहीं, जगन्नाथ जी को देख लो, बलदेव प्रभु को देखो तिलक है कि नहीं, रामचंद्र को देखो, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, भगवान भी स्वयं तिलक धारण करते हैं, लेकिन तिलक धारण का विधि है कि ऊर्ध्वपुंड्रम धर्मत्य म्रियते जत्र कुत्रचित, भगवान कह रहे जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड्रम, मतलब तिलक का आकृति ऐसे होनी चाहिए जो ऊपर में ले जाए हम, कहते म्रियते जत्र कुत्रचित, अगर कोई शरीर छोड़े तो भगवान कहते स्वपाद अपि, वो चंडाल क्यों नहीं हो, मेरे लोक हो जाए, मेरे लोक हो जाएगा। और जिसके शरीर में ये तिलक है, ये पुराण कह रहा है, बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवेत देहे जस्य
पद्मा कीता तनु जो व्यक्ति तिलक धारण करते शरीर में गंगा जमुना सरस्वती लक्ष्मी सरस्वती सब देवादेवी शरीर में निवास करते हैं। देखो ठाकुर क्यों धारण करते, तिलक है ना, देखो ये जो तिलक है इसका नाम ललाट के सवाई में हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, उधर में नारायण वक्ष माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार से विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बामना श्रीधर ऋषिकेश दामोदर पद्मना वासुदेव, ये 12 तिलक भगवान के 12 नाम है। भगवान तिलक रूप में आपका शरीर को रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति ये तिलक लगाकर बाहर जाएगा आपका एक्सीडेंट नहीं होगी, कोई भूत पिशाच तुम्हारे शरीर में आक्रमण नहीं करेगी, इतने तिलक की महत्व है। ठीक है ना, आप लोग सब पे सब तिलक लगाया करो, गले में तुलसी की कंठी बहना और क्या करो, हरिका नाम जप करो और घर घर में ठाकुर का सेवा पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी घर में अगर खुश रहे तो हम भी जगत में खुश भी हम भी रहेंगे। ठीक है, और एकादशी व्रत जरूर करता, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो हाथ उठा, हाँ ताली बजाओ जो लोग एकादशी व्रत करते हैं। देखो जो ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आप देखना कोई बार व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी व्रत की कथा आती है, इसलिए एकादशी व्रत को ध्यान देकर सुनाओ क्यों एकादशी व्रत करनी चाहिए। जो एकादशी व्रत को बताया कि कल्पतरु, कल्पतरु मतलब होता है जिस वृक्ष को नीचे बैठ कर जो मांगो वही मिलेगा। पहले नंद जसोदा घर में कृष्ण नहीं थे, उनको बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे ब्रार व्रत तपस्या कर चुके थे लेकिन घर में बेटा ही नहीं हुआ। लेकिन ये एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी, जब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी किया ना भगवान कृष्ण स्वयं जसोदा की लाला बन कर गया है, इसलिए उसका नाम पुत्रदा। एक एकादशी का नाम अन्नदा, अन्नदा मतलब जिस घर में अन्न सस्य की अभाव है, अब एकादशी व्रत करो घर में अन्न सस्य आएगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिनके घर में पैसा की कमी है अगर वही इंदिरा एकादशी करे ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से तुम कभी भी परास्त नहीं होगे, जिधर जाओगे तुम्हारी जय जयकार होगी, इसलिए अपना विजया। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से संसार से तुमको मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचन, संसार में दुख कष्ट का कारण क्या है, ये हमारी कर्म फल है, लेकिन अगर ये पाप मोचन एकादशी को करेगा ना उसको जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाएगा। देखो मैं अपना अनुभूति की बात बता रहा हूँ, मैं गया था यूरोप प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया, गले में 5 प्राण अटक गया, प्राण जाता ही नहीं, बड़े दुखी कष्ट भोग कर रहे थे, इतने पैसा जा रहा था। जब मैंने वहाँ पर गया उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तो मेरे को उन्होंने लेकर के हॉस्पिटल में गए, बोले बाबा हमारे पिताजी 2 साल से पड़े हुए प्राण निकल नहीं रहा है, बड़े कष्ट पा रहे, बाबा क्या करनी चाहिए। मैंने कहा एक काम करो आप लोग एकादशी व्रत करके फल दो। बोले बाबा अभी 10 दिन ही बाकी है, हैं 10 दिन ही बाकी है। मैंने कहा एक काम करो संकल्प करो हम सबके सब परिवार लोग मिल करके हम एकादशी का व्रत फल देंगे। मैंने उनका हाथ में पानी दिया, फूल दिया, संकल्प कराया। संकल्प करा के मैं जब घर में आया ना, जिस भक्तों घर में रुका हुआ था, घर में आया तो वहाँ से फोन आया, बोले बाबा पिताजी की उधार हो गई, पिताजी की मुक्ति हो गई। इसलिए आप लोग भी स्वयं देख लेना, कोई व्यक्ति बड़े दुख कष्ट पा रहे हैं अंतिम समय में, बड़ा दुख कष्ट भोग कर किसी पंडित को बुलाओ इनकी मुक्ति कैसे हो, देखना क्या बोलता है। बोले कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते, उसने और कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा, इतने एकादशी की महिमा है। पृथ्वी का सारे व्रत को एकत्रित कर लो, तराजू का एक तरफ में रखो, लेकिन एकादशी की महिमा एक तरफ में रखो, इसका फल भारी पड़ेगा। इसलिए आप लोग 15 दिन में एक एकादशी आती है, ज़्यादा कोई कष्ट नहीं, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना 12 बजे तक कुछ नहीं खाए, उस बाद में फल मूल आलू की सब्जी कुट्टी की पकड़े हैं मखाना का खीर, हमारे मंदिर के बाबा लोग खुश होते कब एकादशी आएगा, क्यों रोज रोज सिंगड़ा खाती हैं बर्फी, रोज रोज एक दाल सब्जी खाते हैं, लेकिन एकादशी का दिन बड़े सुंदर प्रसाद बनता है। ठीक है ना, इसलिए अब देखो एकादशी की इतने महिमा, अगर अनजान में भी मेरे पास में समय नहीं के बहुत पता सुनाता, अनजान में एक बार किया हुआ, 2 पति पत्नी थे, सवेरे उठते ही पति पत्नी में लड़ाई हो गई,
लड़ाई हो गई तो पत्नी तो बड़ा क्रोध आया, बोला तू सवेरे उठते ही लड़ाई करना शुरू कर दिया, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पति ने बोला तू बनाओगी क्या, मैं खाऊंगा तभी तो बनाऊंगी, हैं तुम भी सवेरे आकर तू मेरे करने लग गई। उन लोगों ने किया कि दोनों ही एकदम निर्जल व्रत, पता नहीं का उदनी एकादशी है, उनका दोनों का निर्जला व्रत हो गया। देखना घर में कैसे होता है कि नहीं, घर में कभी कभी पत्नी में कभी लगती ही नहीं थोड़ी बहुत है, लेकिन अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना, दो तीन दिन को पूरा निर्जला व्रत चलती चलती कि नहीं। इसलिए उन्होंने पुराने कथा है, पूरा निर्जला व्रत हो गया। जानते हो क्या फल हुआ, अगले जीवन में वो व्यक्ति पृथ्वी का राजा रुक्मांगद महाराज होकर जन्म, पुराण पढ़ करते रुक्मांगद महाराज हुई, उनकी पत्नी उनकी पटनानी बनकर जन्म हुई, और राजा इतने संस्कारी बने, उन्हें अनाउंसमेंट करते थे मेरे देश में जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा, इतने बड़े कृष्ण भक्त बने वो। इसलिए अनजान में भी व्रत हो जाए सो इसकी बड़ी महत्व है, ठीक है ना। हम लोग सबके सब एकादशी व्रत करना, देखो इधर सुना ध्यान देकर, हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो काम किया है ना उसमें सबके सब साइंस है। आप यूट्यूब खोल कर देखना, जो शुगर का बीमारी जिनको हाई प्रेशर तरह तरह बीमारी, कहते 16 घंटा फास्टिंग रहने के लिए बताते हैं, देखे होगी नहीं, बोले 16 घंटा भूखे रहो, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करो और दूसरे दिन 16 घंटा बाद में लो, शरीर में कोई भी बीमारी तुम्हारी नहीं रहेगी। और एकादशी पर का दिन फास्टिंग होता है, जितना टॉक्सिन है जितने गंदे की एकादशी का दिन सबके सब निकल जाती है, ये सबके सब साइंस है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब एकादशी व्रत करो, भगवान की भक्ति करो और जीवन में सुखी रहो। और आप लोग में एक एक माला दूंगा भैया, चक माला लिया सीधा सीधा माला लिया अभी, हरे कृष्णा। हाँ देखो भैया अनाउंसमेंट करेंगे बदल दिया, देख इधर सुना, आप लोगों ने ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक चला है, क्या नाम आपका, हाँ देखो भीमसेन रावत प्रभु जी और उनको जो सदस्य लोगों ने तन मन और धन से, इन लोगों ने बड़े धूमधाम से ये भागवत कथा कराया, इसलिए आप के लिए ताली बजाओ। इसलिए भागवत में बताए कैसे ये भागवत कथा की इतने महत्व है, कहते श्रुत अनुपठित ध्यात आधृत व अनुमोदित। अगर कहीं भागवत कथा हो, कोई व्यक्ति अगर इतनी सी बात बोल दिया भागवत कथा, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी सी कोई बात बोल देना, भागवत कहता है वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो उसी समय में ही भगवत लोक गमन करता है। इतनी सी अगर कोई बोल दे, भागवत सुने होंगे बहुत जगह पर, कि जो धुंधुकारी जिसने प्रेत जोनि को प्राप्त किया, जब उन्होंने गया में भी पिंड दिया उसको मुक्ति नहीं मिली, बोले मेरे नाम पर 100 बार भी मुक्ति दो पिंड दो मेरे को मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ये मुक्ति मिली कैसे, भागवत कथा सुनने से। मतलब क्या है, हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर किसी ने आकर के ये भागवत कथा सुना तो उसको सारे पाप से मुक्ति पा करके वो भगवान के धाम को गमन करते हैं। इसलिए और आप लोगों ने घर में सभी का काम काज है, लेकिन आप लोगों ने घर का सारे काम काज को पीछे रख करके यहाँ पर आए, 3-3 घंटा बैठे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कथा सुनते हैं ना, ये सबके सब परीक्षित है। अगर परीक्षित नहीं होते कथा होती क्या, नहीं हो पाती। अगर सुखदेव गोस्वामी आ जाते सब कुछ व्यवस्था करे, अगर परीक्षित श्रोता नहीं होते तो थोड़ी भागवत कथा हो सकती है। इसलिए आप लोग परीक्षित हो, आप लोगों ने कथा सुने, आप लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाओ, जोर से। और हमारे इसी कथा में जोड़ीलाल कहाँ गया, हमारे जोड़ीलाल प्रभु जी और हमारे क्या नाम आप महेश भारद्वाज, हाँ किसने, और हमारे श्रीदाम भैया श्रीकांत भैया, इन लोगों ने बड़े म्यूजिक में बड़े सुंदर उन लोगों ने बजाए, हम लोगों ने इतना आनंद किया है। और इसी कथा में हमारे माइक वाले भैया कहाँ गए मालिक, इन लोग भी इनको जैसे जैसे बोले करते दांत बढ़ भी लोगों ने, लेकिन हर तरह से अच्छे तरह से इन लोगों ने चलाया, हम इनके भी ताली बजा कर। और इसमें जो रसोई बनाने वाले आप बढ़िया बढ़िया प्रसाद बताते थे, आप उनके लिए भी ताली बजा। और हम लोग देखो नियम है, कथा सुनने के बाद कुछ ना कुछ प्रणाम देनी चाहिए,
क्योंकि प्रणाम के दिए बगैर कथा सुनने का फल नहीं मिलती है। इसलिए जो प्रणाम दो मत दो, लेकिन मेरे को आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दोगे? जैसे आप लोगों को मैं सेवा कर पाऊँ, आप लोगों में सेवा कर पाऊँ ऐसे कथा के द्वारा आप लोग मेरे को भी आशीर्वाद दो सबका, जैसे मैं सेवा कर सकूँ। और हमारे ये कथा में बहुत लोगों ने कोई तन से मन से धन से हर तरह से मदद किया। हमारे भीमसेन प्रभु जी आज आप लोग इनको कहें माइक दे दो, इनका नाम कोई अनाउंसमेंट करेंगे, इसको माइक दे दो। सभी को जय हिंद और जय श्री राम, जय जगन्नाथ। कुछ शब्द हैं जो आप सबके जीवन में हो सकता है कि अगर लगे महत्वपूर्ण हो तो उन्हें आप सब अपने जीवन क्रिया में आगे तक लगा के रखिएगा। मेरा नाम विनय हिंदू है और हम शहीद भगत सिंह सेना से हैं। आप भली भांति जानते हैं कि उस दिन जब प्रभु जगन्नाथ की जगह यात्रा निकल रही थी तब सेवा में थे और अब भी हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। मगर आप भली भांति जानते हैं कि यह सब करने के लिए हम अपने बच्चों को अग्नि भूमिका में नहीं रखते। आज उसकी वजह से भी देश में बहुत सारी व्यवस्थाएँ हालात परिवर्तन हो रहे हैं। आज हमें अपने सभी हिंदू सनातनियों को, अपने परिवार के बच्चों को भी अपने धर्म के कार्यों में अग्नि भूमिका में रहने के लिए अग्रसर करना ही होगा। वरना देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं वो बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश हमारा भारत जो है वो आज़ादी के 100 साल ठीक से मना नहीं पाएगा। आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन ये है कि आज जितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित पिछले 7 दिन से लगातार हुए हैं, आपके आस पड़ोस में जो भी छोटा सा छोटा मंदिर हो, आप जिसकी भी आराधना करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हनुमान बाबा की पूजा करता हूँ तो आप भी कीजिए, आप जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं तो कीजिए, आप भोले बाबा की पूजा करते हैं तो कीजिए, माँ शेरावाली की पूजा करते हैं तो कीजिए, जिस भी रूप में आप ईश्वर को पूजते हैं उसे पूजिए। मगर आप ये निश्चिंत कर लीजिए कि आपको शाम को 7 बजे जब आरती का समय हो तो आपको कितने भी महत्वपूर्ण चाहे कार्य क्यों ना हो उन सबको छोड़कर आपको मंदिर जाना ही है, उन सबको कार्यों को छोड़कर। और मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन में ये सब आगे भी देखना चाहते हैं, मैं जब बोल रहा था तो एक छोटी सी चीज ये थी उसमें सभा में, आप चाहते हैं कि आपकी जीवन चले आगे तो आप अपने बच्चों को आज संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना जीवन समर्पण करके 24 घंटे तक काम करने पर मजबूर हैं और आप ये भूल चुके हैं, अगर आपने उसे संस्कार नहीं दिए तो आने वाले समय में स्थिति होगी वो आपको ओल्ड एज हाउस रूम में छोड़ के आएगा और 5 से 10 हजार रुपए 15-20 हजार रुपए की वहां पैकेज बांध देगा और आपको वो लेने नहीं जाएगा। ताली बजा जोर से। देखो भैया जो बात कह रहे हैं ना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखो मेरे जो गुरुजी बड़े गुरुजी थे वो बक्सर के थे, किसने आकर के बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते, घर घर में कहानी है। देखो गुरुजी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बच्चों को कभी बोला रामायण पढ़? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तेरा बच्चा तुमको क्या आदर करेगा? कहाँ पर बताया सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो? कहाँ पर? रामायण कहता है प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पित गुरु नमः मात। अब देखने दशरथ महाराज जब सैनिक किए हुए भगवान राम जाकर चरण की सेवा करते हैं। आप बताओ भगवान राम ने कितने साल के लिए वनवास गए थे? इसीलिए गए थे पिताजी के आदेश पालन करने के लिए। पिताजी अब रामायण देखोगे पिताजी मना कर रहे थे, वो माता की आग्रह से गए हैं, अपना माँ भी मना कर रही थी लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए बरु। भगवान 14 साल के लिए गए। अब अपना बेटे को बोलो बेटा तू 14 दिन के लिए मेरी सेवा के लिए जाओ, मर बेटा जाएगा नहीं। 14 दिन के लिए हनीमून बनाने जा सकता है
लेकिन पिता माता की सेवा के लिए नहीं जाएगा। क्यों? गुरु जी कहते थे क्योंकि बच्चों को तुमने संस्कार नहीं दिया, बच्चे को तो एटीएम में कार्ड तुमने बना दिया, और वही बच्चे को ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा पढ़ लेता है ना, पिता माता गाली देता है, तू क्या जानती मूर्ख हो, क्यों बच्चे को हमने कोई संस्कार नहीं दिया, स्कूल जाओ पढ़ो 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 पढ़ो, एटीएम में कार्ड बनाया लेकिन बच्चे को कोई संस्कार नहीं डाले। गुरु जी कहते थे ये बात को, गुरु जी कहते थे भैया अगर चाहते हो, जैसे भैया बताए हमारी अगर परंपरा को रक्षा करना चाहते हो, बच्चे तुम्हारी सेवा करे, पिता माता की आदर करे, अगर चाहते हो क्या करो, मंदिर में जाओ, रामायण पढ़ो, गीता भागवत पढ़ो, वृंदावन कभी जाओगे ना देखना, अंग्रेजियों को देखना कैसे छोटी गले में माला कैसे हरिनाम करते हैं, हम तो हिंदू है, कोई एक श्लोक पीछे याद है तुम्हारे? आप बताओ रामायण का कोई चौपाई याद ना, गीता का कोई श्लोक याद है? कुछ भी याद नहीं होगा, जितने उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइन का नाम याद करके बैठे है कि नहीं, सारे उल्टा पुल्टा। कारण क्या है? हम कोई संस्कार नहीं बनते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। लेकिन आप किसी मुसलमान बच्चों को देखे, हम तो दिल्ली में रहते हो, शुक्रवार का दिन देखो जो जबरदस्ती बच्चों को टोपी पहना कर ले जाते हैं, मेन रोड को जाम कर देते हैं, करते कि नहीं? मैंने जयपुर में गया था कथा करने के लिए, आ रहा था देखा 10 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने कहा भैया तेरा नाम क्या, तो जो नाम बताया पता चले गए ये मुसलमान। मैंने कहा बेटा तेरे कुरान आती है, वो छाती फुला करके बोले हाँ मेरे को कुरान आती है, कुरान आती है मेरे को। मैंने पूछा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र से कुरान पढ़ाया जाता है? कहते कंपलसरी 2 साल उम्र में, कंपलसरी एक बच्चे को मुसलमान बच्चे को कुरान पढ़ाया जाता है। हम बच्चे को बोलते हैं तो एक गीता का श्लोक पढ़ के जा, रामायण के 2 चौपाई पढ़ के जा। गुरु जी कहते थे इसलिए बच्चे हम अगर बाद में लात मारते हैं, बच्चे हमें लात मारते, क्यों? भक्ति का तुमने कोई संस्कार नहीं दी। इसलिए भैया जो बात कह रहे हैं ना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को जगा रहे हैं, भाग्य से कैसे हमारी मोटी जोगी आ गई, नहीं तो तुमको मार मार के यहाँ से खदेड़ते सबके सब। सही बात है, खदेड़ देते यहाँ से, रह नहीं पाओगे। जैसे पाकिस्तान छोड़ करके आए हैं, इंडोनेशिया छोड़ करके आए हैं, जैसे दूसरे दूसरे कश्मीर छोड़ करके आए, भारत में भी तुमको टिकने नहीं देंगे अगर अभी हम बच्चों को संस्कार नहीं बनाए। इसलिए क्या करो, आज से कसम खा करके जाओ, एक एक माला दूंगा, बच्चे को बोलना बेटा 10 मिनट बैठ कर के माला जप करके, जो चौप आप लोग बात नहीं सुनता है, आप लोग बात नहीं सुनता है, आप जो स्कूल में 7 बजे जाएगा बच्चे को 6 बजे उठाते, जोर जबरदस्ती उठाते, उठाते कि नहीं, उसको पैकिंग करके टिफिन बना करके देते हैं, जोर जबरदस्ती जाते हैं। भैया जब जोर जबरदस्ती पढ़ाई के लिए जो बच्चा ज्यादा पढ़ने पर तुम गाली गलौज करेगा उसके लिए कर सकते हो, ऐसे संस्कार क्या नहीं दे सकते हैं हमारे बच्चों को? पर सनातन की संस्कृति पर कर सकते कि नहीं? कौन कौन करेगा हाथ उठा, तो नियम बनाओ, जब तक बच्चा एक माला नहीं करेगा उसको खाना नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे? खाना नहीं देंगे। गीता का नहीं तो एक श्लोक पढ़ करके जा, रामायण का 2 चौपाई पढ़ करके जा। इसलिए भैया के लिए तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना के भैया को बहुत बड़ा उम्र दे जो हमारी सनातन धर्म को भैया रक्षा कर रहे। मैं बस अपनी बात को प्रणाम करूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। मैं एक पूर्णकालिक प्रचारक हूँ जिसने माँ भारती के लिए शादी न करने का प्रण लेकर आजीवन माँ भारती के लिए समर्पण किया है। तो मेरा बस उद्देश्य यह है, देश के लगभग 250 जिले मैंने प्रवास किए हैं, 250 मतलब 726 जो देश में जिले हैं, ऑथेंटिक जो 726 हैं, वैसे 741 हैं, उनमें से 250 जिले मैंने घूमे हैं, बिहार से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, और ये पूरा यूपी में मतलब प्रवास करके यही काम करता हूँ जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में 100 स्कूलों को तब्दील करके ये बता दिया गया है कि अब वो वहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। कारण किसी विशेष समुदाय की वहाँ जनसंख्या बढ़ जाना, उन्होंने प्राथमिक विद्यालय के आगे उर्दू वर्ड जोड़कर आगे 100 विद्यालयों के आगे कर दिया है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये परिस्थितियाँ इसलिए पनपी हैं क्योंकि मैंने जो अभी तक अध्ययन किया है उसमें मैं ये पाया हूँ कि बड़े बड़े हमारे करोड़ों रुपए के मंदिर पूरे देश में हैं। मैं उरी जगन्नाथ मंदिर में भी गया, मैं बोध गया बिहार में भी गया, भगवान विष्णु का जो गया में मंदिर है मैं वहाँ भी गया, मैं बाबा धाम देवघर भी गया। पूरा घूमने के बाद मैंने देखा
बड़े बड़े मंदिरों में जाकर मैंने देखा कि कहीं पर भी हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो 100 की संख्या में पूरे दिन में कभी इकट्ठे होते नहीं हैं, मगर मैंने जो ज़्यादातर ये देखा कि महीनों में भी कहीं ऐसी स्थितियां नहीं हैं जहां 100 लोग इकट्ठे होते हों, और सालों में जब भंडारा होता है मंदिर में 150 की संख्या जब इकट्ठी होती है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लोग जिनसे हमें दिक्कत है या दिक्कत हो सकती है वो दिन में 5 टाइम इकट्ठे होते हैं, 5 नहीं तो दिन में 1 बार, और जो 1 बार नहीं होते वो शुक्रवार को ही बता देते हैं कि हम कौन हैं। और आज आपकी कभी कमलेश तिवारी होता है, कभी अमित शर्मा होता है, कभी शेर सिंह भाटी होता है, नाम बदलते हैं, कभी उमेश होता है, कभी आपका जो है जब यहाँ पे जो कन्हैया लाल होता है, घटनाएं बदलती हैं नामों के साथ। हम ये भूल जाते हैं कि मैं बोलूं किसके बारे में, जो 15 दिन पहले वाले के बारे में या अभी के बारे में। तो आप ये समझ लीजिए होता क्यों है। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें जो होती है वो समस्या ये होती है कि हमें ये कहा जाता है कि इनको कुछ पता सता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। ये पढ़े लिखा समाज आज हमारे लिए बहुत कष्टदायी हो चुका है। वो ये कहता है कि आप विनय जी आप हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए, यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए, अगर हिंदू मुस्लिम की बात मैं अपने धर्म की बात अपने लोगों के बीच में ना करूं ये मेरी कायरता है और ये मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हम कायरता को एक्सेप्ट ना करके हम सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के हम खेल खेलते हैं बिल्ली और कबूतर का। बिल्ली ये सोचती है जब झपट्टा मारते कबूतर आंख बंद कर लेता, सोचता बिल्ली मुझे नहीं देख रही है। मगर याद रखिए आज कमलेश की बारी, कल अमित की बारी, कल किसी और की बारी, कल आपकी बारी, कल मेरी बारी, नंबर सभी का आना है। अगर हम अपने समाज व राष्ट्र व धर्म के हित में सोचते हैं, और मैं ये सिर्फ जानता हूँ अगर आज आपने काम नहीं किया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सनातन धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं सनातन धर्म कभी न कटा है न पिटा है, अनंत काल से चलता हुआ आया है, अनंत काल तक चलता हुआ रहेगा, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा सिर्फ सनातन धर्म कहता है। एक कहता है जीसस ही सब कुछ है, और दूसरा कहता है कि हम ही सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है, और हमारा सनातन धर्म कहता है सभी को साथ लेकर चलिए। और परिणाम ईरान गया, इराक गया, अफगानिस्तान गया, म्यांमार गया, भूटान गया, नेपाल गया, श्रीलंका गई, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, पश्चिम बंगाल हाथ से गया, केरल गया, असम गया, त्रिपुरा गया, बिहार में किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, सारा कुछ गया। आप देखिए भागपुर, पड़ोस, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा से लेकर, अलीगढ़ से लेकर, रामपुर से लेकर, मऊ से लेकर, जौनपुर से लेकर, भदोही से लेकर, सारा आपके हाथ से जाने वाला है। मऊ में स्थिति देखिए, मैं वहां के बीच में अपने हर समाज के बीच में रह के बोल रहा हूँ आज। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हम सब लोग बड़े डरते हैं, डर लग रहा है भाई। बचाव के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उसके साथ दीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है उस धर्म में, दोनों ही धर्मों में कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए, कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण पूजा जाता, पेड़ पत्ते सांप, हम तो सांप को भी भोलेनाथ का रूप समझ के पूजते हैं। ताली मत बजाइए भी, बस हाथ जोड़ रहा हूँ। ताली बजाने से क्या होता है कि जो परमात्मा आया वो बजा के चला गया, कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में, मेरा भोला कण कण में रहता। लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर हमारा कोई नहीं है, मेरा भोला यही है, मेरे महादेव यही है, मेरे भगवान श्री कृष्ण यही है, मेरे भाई मथुरा जाइए तो भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे ना, बाबा धाम देवघर में सिर्फ भगवान भोलेनाथ मिलेंगे ना, अयोध्या जी में राम मिलेंगे ना, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी मिलेंगे ना, हर माता सीता, सीता मढ़ी में जो बिहार में जिला है वहां जाइए ना, आपका चित्रकूट जाइए, छत्रपुर जाइए, आपके उत्तराखंड में जाइए, देवभूमि उत्तराखंड है, पूरा हिंदुस्तान की जन्म पे ही हमारे हर ईश्वर का वास है। हम क्यों मजारों को पूछते फिरते हैं? बहुत सारे लोग एक ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं जो 100 साल पहले जिंदा था, यहां भी पूछने वाले बहुत सारे होंगे, मैं नहीं मानता उसे। 100 साल पहले 1834 में जन्म हुआ, 1918 उसकी मृत्यु हुई है, 1857 मंगल पांडे की क्रांति के दौरान वो व्यक्ति जिंदा था, आज जो सेक्टर 40 में उसका मंदिर बना बैठा है, गुरु जो है चढ़ावा चढ़ाए चले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को पूछे, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा इसमें धरती पर कोई योद्धा नहीं रहा है, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा योद्धा कोई हो ही नहीं सकता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक लाख तक देखी वही है,
भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं ईश्वर हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। उनसे ही सबसे कम बगल वाले मंदिर तो जा सकते हैं ना, प्रभु की आराधना तो कर सकते हैं ना, वहां पर कुछ संख्यावर मंदिर में बढ़ा सकते हैं ना। आपके द्वारा निकाला हुआ धन आपकी धर्म राष्ट्र के हित में होगा। और आज आपने अपने धर्म के लिए काम नहीं किया, धर्म रक्षत रक्षते, धर्म की रक्षा के लिए भी आपको ही करना पड़ेगा, तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं चलेगा, बताए थे प्रभु जी के 10% देना पड़ेगा। मैं 10% धन तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रचारक आदमी हूं, मगर मैं अपना 100% समय दे सकता हूं 24 के 24 घंटे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि आज के बाद ये भी प्रतिज्ञा लेके जाएं कि चाहे कुछ भी हो जाइयो, मेरा बच्चा चाहे इतनी स्कूल ना जाए मगर मंदिर जरूर जाना चाहिए। जय श्री राम। आनंद की जय जय श्री राधे। मेरी वजह से अगर किसी की भावना हाथ हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हाथ हाथ होनी चाहिए, चलिए हाथ होनी चाहिए। प्रभु जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक है, प्रभु जी अरे कोई खड़े मत हो, जगन्नाथ जी रथ यात्रा बैठ जाओ, 5 मिनट में सब विश्राम हो जाएगा, बैठो, कोई खड़े मत हो। प्रभु जी बोलो जी, और साथ सुदर्शन चक्र जगन्नाथ का मंदिर इस युग का बीच में हमारी महाराज जी है श्रीधर महाराज जी, इन्होंने 7 दिन से यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, पावन कथा को हम ग्रहण कर रहे हैं, और कितने हम लोग ग्रहण किया नहीं किया वो हम स्वयं जानते होंगे। तो इसलिए मैं हमारी संजय आचार्य को बोलूँगा जो कि श्रीधर महाराज जी को माला अर्पण करें। हरि बोल। महाराज जी को सुदामा महेश भारद्वाज जी, महेश भारद्वाज जी, हरे कृष्णा। आप लोग दामोदर दामोदर बोलो, दामोदर मथुरा प्रभु जी दामोदर मथुरा प्रभु जी इधर श्यामानंद प्रभु जी श्यामानंद प्रभु इधर सामने बैठे दो भाई अगर दो भाई इनको हरे कृष्णा। हाँ आप लोग कौन माला लेकर जप करना चाहते हैं, इधर एक निकालना, आप इधर आओ, इधर आ जाए एक एक करके आ जाओ, श्यामानंद करके निकल लेगा।